हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग एक्सीलरेशन ऑल द टाइम ग्राफ्स लाइक वेलोसिटी टाइम डायग्राम, डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम, स्पीड टाइम डायग्राम, एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम, ये सब के बारे में देखेंगे। वन डायमेंशनल मोशन के बारे में देखेंगे, वन डायमेंशनल मोशन की कंडीशंस भी देखेंगे एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन वन डायमेंशन उसके बारे में देखेंगे, उसके रिलेटेड इक्वेशंस को देखेंगे। उसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। खैर, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर वो सारे चीजें लिखा हूं जो आप लोगों को मालूम है, बस खाली याद दिलाने के लिए वन लाइनर बना के सारी चीज लिखा हूं। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट इज एक्सीलरेशन। यू नो इट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डीवी बाई डी टी और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर और इट इज भी डीवी बाई डी एक्स। थोड़ा सा क्लैरिटी मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। जब मैं डीवी बाई डी टी निकालता हूँ तो डी टी क्या है थोड़ा समझो। सपोज कोई पार्टिकल ऐसे रास्ते में जा रहा है और यहाँ पर उसका वेलोसिटी कुछ भी था, टी इक्वल टू टी जीरो आपको पूछा गया है व्हाट इज द एक्सीलरेशन, आपको क्या डीवी बाई डी टी, मतलब यहाँ पे डी टी सेकेंड कंसिडर करो, लेकिन यहाँ पर जो डी टी सेकेंड हम कंसिडर करते हैं वो डी टी सेकेंड है कैसा, वो है टी से डी टी बाई टू कम, टी से डी टी बाई टू ज्यादा, मतलब ये हो गया डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी बाई टू, ये हो गया टी प्लस डेल्टा टी बाई टू। आर यू रेडी? तो यहां से यहां तक का जो इंटरवल हुआ वो हुआ डेल्टा टी सेकेंड। एक तरफ को नहीं लेना है, इधर को डेल्टा टी बाई टू, इधर को डेल्टा टी बाई टू, तभी आपको मिलेगा यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आया? ये चीज समझना है। तो टी जीरो, टी इक्वल टू टी जीरो में एक्सीलरेशन निकालना था, टी इक्वल टू टी जीरो माइनस डेल्टा टी बाई टू में क्या वेलोसिटी था, टी इक्वल टू टी जीरो प्लस डेल्टा टी बाई टू में क्या वेलोसिटी था, वी टू माइनस वी वन बाई डेल्टा टी विल गिव यू द एक्सीलरेशन। ओके, तो वो जो डेल्टा टी है उसका क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, काफी जगह वो समझने में हमें मदद करेगा। सो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज डीवी बाई डीटी और इट इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डी स्क्वायर एक्स बाई डीटी स्क्वायर। और शायद आपको मालूम होगा कि इज इक्वल टू वी डीवी बाई डीएक्स, क्या ये वी डीवी बाई डीएक्स कैसे हुआ आपको मालूम है कि बताना पड़ेगा? मालूम है सबको, जहां पर जो चाहिए मेरे को पूछ लेगा। रिमेंबर एक्सीलरेशन कॉजेस चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी के लिए एक्सीलरेशन नहीं होता है। ये एक जनरल मिसकंसेप्शन है कि व्हेन ए बॉडी अंडरगो चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। नो, व्हेन एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस, देन हु इज प्रोड्यूसिंग एक्सीलरेशन, फोर्स। सो द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय द मास। अगेन, जो फोर्स कोई बॉडी के ऊपर आ रहा है वो बॉडी का स्टेटस क्या है, या तो बॉडी रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। अगर रेस्ट में है तो आप कहोगे अगर ये कोई एक बॉडी रेस्ट में है और इसके ऊपर एक फोर्स आया तो ऑब्वियसली द बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द मोशन विल बी वन डायमेंशनल। ठीक है, सपोज कोई बॉडी मोशन में है, ऑलरेडी मूव कर रहा है, नाउ यू अप्लाई ए फोर्स, व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स हाउ यू अप्लाई ए फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर टू द फोर्स और मेकिंग सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी और मेकिंग सम एंगल विद द वेलोसिटी, हो सकता है कि यू अप्लाई ए फोर्स लाइक दिस व्हिच इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नाउ डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि डीवी बाई डीटी है, डीवी इज चेंज इन वेलोसिटी, ये वेक्टर है, डीटी तो एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, ए का डायरेक्शन डीवी का डायरेक्शन में होता है और ए का डायरेक्शन फोर्स अप्लाइड के डायरेक्शन में होता है, या तो बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, आइदर केसेस में द एक्सीलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। है, आगे बढ़ते हैं, चीजें समझ में आ रहा है आपको। acceleration being a vector you can write ax i cap plus ay j cap and usse pata chala ki v is vx i cap vy j cap likhenge
तो हमको मिलेगा ax इज इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी आई केप, ए वाई इज इक्वल टू डी वी वाई बाई डी टी जे केप। हाँ सर, सब तो सिंपल चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, लेकिन माइनूटली चीजों को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरा न्यूमेरिकल इस बेसिस में आएंगे। अगेन वेलोसिटी कैन बी रिटन एज कोई भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड एंड ए यूनिट वेक्टर यूनिट डायरेक्शन। वेलोसिटी इज ए वेक्टर, आई कैन राइट इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आपको मालूम होगा कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है वो f1x into f2x और dy by dx निकालते हो, तो तरीका होता है पहले इसको कांस्टेंट रखो, इसको डिफरेंशिएट करो, प्लस इसको कांस्टेंट रखो, इसको डिफरेंशिएट करो, दीज आर द प्रोडक्ट रूल्स। कैसे लिखते हो आप इसको, f1x का डेरिवेटिव into f2x प्लस f2x का डेरिवेटिव इनटू एफ वन एक्स, ऐसे लिखते हैं। प्रोडक्ट रूल भी सबको मालूम है, ऐसे लिखते हैं। तो अगर ये बात है डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल सबको मालूम है, तो हम यहां पर कह सकते हैं वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज इज मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन इज कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कौन सा है, यू नो कोई पार्टिकल का जब वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, कोई पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है तो यहां पर जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका डायरेक्शन इज टैंजेंट टू द पाथ। सो ए द यूनिट वेक्टर इज अलोंग द टैंजेंट टू द पाथ फॉलोड और इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो दिस इज व्हाट इज द थिंग, दिस इज व्हाट इज अनदर थिंग, ये दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। इसको कहते हैं टैंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्या है ये, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। देखो ये वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज अ टैंजेंशियल एक्सीलरेशन, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। एंड द अदर वन मेक्स इट ऑफ वी डी ए बाई डी टी, दिस इज कॉल्ड रेडियल एक्सीलरेशन। मतलब स्पीड कॉन्स्टेंट है, डायरेक्शन बदल रहा है, यहां पर डायरेक्शन कॉन्स्टेंट है, स्पीड बदल रहा है। और जब वेलोसिटी बदल रहा है तो दो रीजन से बदल सकता है, या तो उसका स्पीड बदल रहा है, या फिर इसका डायरेक्शन बदल रहा है, या फिर दोनों बदल रहे हैं। तो अगर दोनों बदल रहे हैं तो एक्सीलरेशन निकालने का ये हुआ तरीका। ध्यान रहे दिस पार्ट इज कॉल्ड रेडियल एक्सीलरेशन, क्या है इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। दिस पार्ट इज कॉल्ड टैंजेंशियल एक्सीलरेशन, मतलब एक एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द अदर वन इफ यू कैलकुलेट इट विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। Radial acceleration is perpendicular to the velocity and tangential acceleration is in the direction of velocity. Resultant acceleration, अब ये दोनों आपस में perpendicular है। मान लो radial acceleration हुआ इस direction में, tangential acceleration हुआ ये direction में, तो आप कहोगे जो resultant acceleration है वो क्या है, this square plus this square whole root over, because they are mutually perpendicular. क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो थोड़ा सा ये तो जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन हो गया दैट इज द रूट ओवर ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सीलरेशन स्क्वायर। क्या बातें समझ में आए? नेक्स्ट, नाउ लेट अस इन डिटेल अंडरस्टैंड व्हाट इज रेडियल एक्सीलरेशन। सपोज कोई बॉडी मोशन में है, उसके ऊपर कोई फोर्स आया, तो दैट फोर्स इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद दिस। फोर्स कैन बी रिजल्ट इनटू टू कंपोनेंट्स, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। ये जो एफ कॉस थीटा वाला पार्ट है वो स्पीड को कम या ज्यादा करने में मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, एफ कॉस थीटा ऐसे दिख रहा है, हो सकता है थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, तो फोर्स उल्टा डायरेक्शन में दिखेगा। सो दिस कंपोनेंट एफ कॉस थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड, दैट विल प्रोड्यूस ए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। जबकि एफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू द स्पीड और परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, सो दिस विल क्रिएट ए रेडियल एक्सीलरेशन। एफ कॉस थीटा टेंड्स टू चेंज स्पीड, एफ कॉस थीटा स्पीड बदलने की कोशिश करता है, एफ साइन थीटा टेंड्स टू चेंज डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया, कोई बड़ी चीज नहीं। अब रेडियल एक्सीलरेशन के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। द रेडियल एक्सीलरेशन टेंड्स टू रोटेट द बॉडी इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर,
मान लो कोई चीज ऐसे जा रहा था इस डिरेक्शन में, वेलोसिटी दिया है, उसके ऊपर एक फोर्स आया परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो क्या होगा, द बॉडी विल ट्राई टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ, ट्राई टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एंड इट विल प्रोड्यूस ए रेडियल एक्सीलरेशन। सर्कुलर मोशन चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे सेंट्रीपेटल फोर्स वगैरह, दैट इज वेयर द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। व्हाट वाज द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन वाज वी स्क्वायर पे r। अगर आपको कोई पूछता है कि बताओ, हाँ जस्ट मिनट, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ हाँ सर, हाँ हरिम को प्लेस में डालना है, अभी थोड़ी अभी। सो व्हाट वी सी हियर, रेडियल एक्सीलरेशन क्या है, एफ एन बाई एम, एफ एन मतलब फोर्स नॉर्मल टू और परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जब भी कोई बॉडी मोशन में है उसके ऊपर कुछ फोर्स आया तो उसका रेडियल एक्सीलरेशन क्या होगा, पहले देखो कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, दैट बाय एम गिव्स यू रेडियल एक्सीलरेशन, जिसका फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। अगर निकालेंगे तो इसका वैल्यू आता है वी स्क्वायर बाय आर, भी क्या स्पीड है यहां पर। साथ साथ आपको यह भी समझ में आ रहा होगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ वी डी ए बाई डी टी इज वी स्क्वायर बाई आर, तो ये भी तो बराबर, ये भी तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो एक एक तो वी कैंसिल हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन इज इक्वल टू वी बाई आर, रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन इज इक्वल टू वी बाई आर। प्रूफ करने की जरूरत नहीं, जब सर्कुलर मोशन चैप्टर आएगा तब बता देंगे, आप लोग जानते हो। सो वी डी ए बाई डी टी में डी ए बाई डी टी रिफर्स टू वी बाई आर एंड दिस इज वी, ऑल टुगेदर इज कमिंग आउट टू वी स्क्वायर बाई आर एंड द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। क्या समझ में आया? हाँ आदेश कुछ नहीं बोल रहे, क्या बात है। नेक्स्ट, द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कब होता है, व्हेन द फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कितना होता है एफ टी बाई एम, डायरेक्टेड अलोंग एफ टी। और क्या है, कैसे निकालते हैं, डी मैग्नीट्यूड ऑफ वी बाय डी टी, डायरेक्शन, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वी, आप कह सकते हो डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वी, एक एफ क्या है, एक एफ इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन समझा पाया, और अगर नेट एक्सीलरेशन की जरूरत है तो आपको गेन नेट एक्सीलरेशन इज, आप कह सकते हो नेट फोर्स बाय मास और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और इट इज रेडियल एक्सीलरेशन स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन स्क्वायर रूट ऑफ नेट एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी कैन बी फाउंड इन ऑल दिस थ्री वेज, नेट फोर्स बाय मास, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और रेडियल एक्सीलरेशन निकालो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालो, इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर होल रूट ओवर हो गया, तो एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। क्या बातें समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक। नाउ लेट अस सी सम फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हम लोग अभी देखे इसके ऊपर, आप लोग ट्राई कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, रफ वर्क लेके कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 3t मीटर्स, व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। अब जब ये डिस्प्लेस, हाँ जस्ट मिनट, जब ये मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ आई मस्ट स्पेसिफाई द डायरेक्शन, यस, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। तो पहले हम एक्सीलरेशन निकालने का तरीका क्या कहेंगे, पहले निकालेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया 8t माइनस 3 आई के, क्योंकि v इज dx by dt, यू नो, अच्छा तो मिला v है, और एक्सीलरेशन चाहिए तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर आई केप था तो आई केप कंटिन्यू कर रहा है, 8 आई केप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन दोनों आपको मिल गए। कैसे निकाला गया, यूजिंग द फॉर्मूला d स्क्वायर x / dt स्क्वायर, सॉरी मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लिख देता था, अच्छा होता, आई कैन राइट एक्सीलरेशन इज dv / dt एंड अगेन v इज dx / dt, सो एज अ होल इट इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ये हम जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स कोऑर्डिनेट्स आफ्टर टाइम t सेकंड्स,
is given by this. Find magnitude of acceleration at t equal to 1 second. कोई पार्टिकल मूव कर रहा है स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ऐसा मूव कर रहा है कि t सेकंड बाद, यस यस, t सेकंड बाद कितना है उसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब x कोऑर्डिनेट, मतलब ये दिया है x वैल्यू कितना है 4t स्क्वायर और y वैल्यू t क्यूब, तो d स्क्वायर x / dt स्क्वायर विल गिव यू ax, d स्क्वायर y / dt स्क्वायर विल गिव यू ay, है ना, इट इज अलोंग x एक्सिस, इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड। तो आप कहोगे d स्क्वायर x / dt स्क्वायर कितना होगा, एक बार डेरिवेटिव करो तो होगा 8t, दोबारा डेरिवेटिव करो तो होगा 8, आई कैप, और d स्क्वायर y / dt स्क्वायर एक बार डेरिवेटिव करो तो होगा 3t स्क्वायर, दूसरी बार डेरिवेटिव करो तो हो जाएगा 6t, है ना। इसका मतलब जो एक्सीलरेशन निकल के आया वो क्या आया, एक्सीलरेशन इज 8 i कैप प्लस 6t j कैप, दिस इज द एक्सीलरेशन। क्या चीजें समझ में आ रहे हैं? क्या कोई मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन बता सकता है एट t इक्वल 1 सेकंड? हाँ, बस बस t की जगह 1 डाल देना है, एट t इक्वल 1 सेकंड अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे, हम कहेंगे एट t इक्वल 1 सेकंड जो एक्सीलरेशन होगा वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, कितना होगा 8 का स्क्वायर, t की जगह 1 डालो तो 6, 6 का स्क्वायर होल डबल इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना सिंपल है। आई वांट टू टच ऑल फंडामेंटल्स व्हाट इज टॉट हियर, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस यूनिफॉर्मली विद डिस्प्लेसमेंट एस, सो द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट और चेंजिंग। देखो ये v वर्सेस x डायग्राम दिया गया है, कोई पार्टिकल का v वर्सेस x डायग्राम ऐसे दिया है, पूछा है बताओ ये पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि बदल रहा है, क्या कहेंगे सॉल्यूशन में। हम जानते हैं, यस यस यस, हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन इज v dv / dx, है ना। देखो तो dv / dx v वर्सेस x डायग्राम में dv / dx क्या देता है, स्लोप। अगर इस एंगल को हम थीटा कहेंगे, इस लाइन का स्लोप होता है tan थीटा, तो हम कहेंगे कि दिस इमेज v tan थीटा। अब थीटा कांस्टेंट है लेकिन जैसे जैसे x बढ़े जा रहा है तो यू सी योर v चेंजिंग, v इज नॉट कांस्टेंट, v इज इंक्रीजिंग, सो यू से दिस इज अ केस ऑफ इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, दिस इज अ केस ऑफ, इट इज अ केस ऑफ इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, इट्स नॉट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ध्यान से देखना, अगर यहां पर x के जगह t होता तो dv / dt, हाँ वो तो कांस्टेंट क्योंकि स्लोप है, लेकिन x है सो इसीलिए इससे इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन काफी जगह, जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम में स्ट्रेट लाइन देने से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लोग समझते हैं, तो यहां पर मैं x देके थोड़ा दिखा दिया, वो गलत फहमी में मत रहना कि स्ट्रेट लाइन का मतलब हो जाएगा ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, प्रोवाइडेड v और ये t होना चाहिए, ये t नहीं है x है, क्या मैं समझा पा रहा हूं? हाँ, आगे एट एनी डिस्प्लेसमेंट x द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल टू k x टू द पावर n, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। ये पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में जाएगा, हम कहेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, क्या दिया है वेलोसिटी एट एनी डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाय v इज इक्वल टू k x टू द पावर n, k इज ए कांस्टेंट, ठीक है, v is k x to the power n, हमें dv by dx निकालना है, निकाल के देखना है कि it is coming n k x to the power n minus 1, और हमें मालूम है कि जो acceleration है वो भी dv by dx है, so it is coming n k x to the power n into x to the power n minus 1 can be written as n k x to the power x to the power a plus into x to the power b is x to the power a plus b, so it comes out to be x to the power 2n minus 1, acceleration constant होगा, मतलब x तो बदलेगा, as it is in motion x is changing, x बदलेगा तो acceleration कैसे constant होगा, अगर
ये जो पूरा क्वांटिटी है ये गायब हो जाएगा तो एक्सिलेशन को क्वेश्चन मारेंगे। गायब कैसे हो जाएगा? अगर देखो ये जो 2n-1 है वो जीरो हो गया, तो 2n-1 जीरो हो गया तो x का वैल्यू कुछ भी ले लो, दैट टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। सो फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? 2n-1 को जीरो करना है, मतलब n मस्ट बी 1/2 और n का वैल्यू 1/2 होगा तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जाएगा। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस सर। At any displacement x, the velocity of a particle is given v is equal to 8 root x. Look at the question and tell me whether the particle is in uniform acceleration or non-uniform acceleration. नहीं, अभी तो देखे ना k x to the power n, n का वैल्यू क्या था 1/2, यहाँ पर नहीं है क्या 8 root x? It is same as 8 x to the power 1/2, तो ये uniform acceleration motion होगा। अभी तो देखिए n का वैल्यू हाफ हो जाने से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। अब करके देखो, निकालना है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। दिस इज ए ओल्ड क्वेश्चन ऑफ योर मेडिकल एंट्रेंस। तो dv/dx क्या हो गया? 8 रूट एक्स था, 8 तो रहेगा, रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर हाफ माइनस 1, इट इज सेम एज 4/√x। नाउ एक्सीलरेशन क्या है? dv/dx, when you make it so, तो आपको हो गया v, तो हो गया 8√x और dv/dx हो गया 4/√x। yes, ये गया, it is 32 m/s², it's a uniform acceleration motion, the particle is moving with a constant acceleration of 32 m/s². क्या चीजें समझ में आ रहा है? Velocity of a particle uniformly decreases from 10 to rest over a displacement of 5 meters. Find magnitude of retardation when speed was 6 m/s. I'm sure you can do it. थोड़ा सा सोचे, ध्यान से देखें, क्या दिया है? दिया है velocity of a particle is decreasing uniformly. मान लो कि मैं इधर को लिया वेलोसिटी और इधर को लिया डिस्प्लेसमेंट, ये ले लिया वेलोसिटी, ये ले लिया डिस्प्लेसमेंट, क्या दिया है? दिया है कि वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, कहां से? 10 m/s से जीरो हो गया। यस यस यस, देखो कितना जल्दी कर रहा है, पहले था ये 10 m/s और घट के जीरो हो गया, कितने दूर पे? 5 m जाते जाते। मैं v वर्सेस x डायग्राम बनाया हूं, यहां पर मैं v वर्सेस x डायग्राम बनाया हूं, तो ऑब्वियसली स्पीड घट रहा है तो इससे रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन पूछा होता तो नेगेटिव आंसर आता, रिटार्डेशन पूछा है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन व्हेन स्पीड वाज 6 m/s, मतलब जब ये स्पीड 6 m/s था, यहां ये था 6 m/s, तब रिटार्डेशन क्या था? इतना सिंपल है, रिटार्डेशन इज वी dv/dx। अब भी घट रहा है, एक्सीलरेशन लिखते तो नेगेटिव लिखते, रिटार्डेशन लिख रहे हैं तो नेगेटिव साइन देने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज वी dv/dx, दैट इज एट दिस पॉइंट वी तो हमें मालूम है 6 इंटू dv/dx, dv/dx इज द स्लोप। स्लोप कितना है? ये 10, ये 5, तो इट इज 10/5। अगर मैं एक्सीलरेशन लिखता तो यहां पर लिखता -10/5, लेकिन मैं रिटार्डेशन लिख रहा हूं इसलिए माइनस नहीं लिखा, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 12 m/s². क्या बातें समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। ए बॉल ऑफ मास 2 kg वाज मूविंग विद 10 m/s, ए 20 N फोर्स वाज अप्लाइड, ये जा रहा था 10 m/s में, बॉल का मास है 2 kg और एक 20 N का फोर्स अप्लाई कर दी, फाइंड दिस दिस एंड दिस। पूछा है रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, ये क्या है रेट ऑफ चेंज इन स्पीड? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन,
इधर का जो फोर्स है वही रेस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग चेंज इन स्पीड. द फोर्स इन द डिरेक्शन और इन द अपोजिट डिरेक्शन, फोर्स अराउंड द वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ए चेंज इन स्पीड. तो चेंज इन स्पीड कितना होगा, आप कहोगे 20 cos 60, द फोर्स इन द डिरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बाय मास. मास कितना दिया, 2 kg. क्या बात समझ में आया, 20 cos 60 is 10/2 is 5 m/s². समझ में आ रहा है, जो आप चीजें जानते हो बस उसकी बाउंड्री पे, क्योंकि सिंपल चीजें तो सबको मालूम है, थोड़ा सा उसकी बाउंड्री पे जा रहे हैं, बाय चांस अगर कुछ मिस हो गया होगा तो. रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन निकालने का तरीका क्या था, इट वॉज नॉर्मल फोर्स बाय मास. व्हाट इज द फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, यू से इट इज 20 sin 60 बाय मास. मास कितना है, मास है 2 kg, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 5√3 m/s². यू नो दिस इज द टैंजेंशियल एक्सीलरेशन, दिस इज द रेडियल एक्सीलरेशन. कोई पूछेगा नेट एक्सीलरेशन, तो नेट एक्सीलरेशन निकालने का दो तरीका है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होल रूट ओवर और नेट फोर्स बाय मास. अब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर पे रूट ओवर करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर होल रूट ओवर इज 10, एक्सीलरेशन हो गया 10 m/s² और नेट फोर्स 20 N बाय मास हो गया 10 m/s². आइदर वे यू कैन अंडरस्टैंड. तीसरा पूछा है डीवी बाई डी टी, मतलब ये क्या है, ये तो सीधे नेट एक्सीलरेशन के बारे में पूछ रहा है. डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा, यू से इज 20/2 is 10 m/s². क्या समझ में आया, डीवी बाई डी टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सीधे सीधे फोर्स में ही मास, नेट फोर्स में ही मास, यू से 20 by mass 2 kg का, तो हो गया 10 m/s². क्या समझ में आया, तो डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज गिवन हियर, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, रेडियल एक्सीलरेशन एंड डीवी बाई डी टी इज अ नेट एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, चलिए. ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ कॉन्स्टेंट स्पीड वी एट एनी स्टार्ट, इट्स वेलोसिटी इज v = v₀ a₀. देखो किसी भी एक इंस्टेंट में उसका वेलोसिटी कितना है, v₀ a₀, मतलब इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड. फाइंड dA / dt, क्या आपको अभी याद है कि dA/dt का फॉर्मूला क्या आता था, इट वाज बोलो v₀r. समझ में आया क्या, इट इज v₀r, कौन सा डायरेक्शन में आता है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, dA by dt, rate of change in direction of the particle is dA by dt and that is v₀r. थोड़ी देर पहले बताया था आपको. ठीक है, next, a car moves with constant speed along a path shown, arrange accelerations at A, B and C in ascending order. Car constant speed में जा रहा है, मतलब जो acceleration हो रहा है वो क्यों हो रहा है, it is because of the change in direction. क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विल कॉल द एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का या तो मैग्नीट्यूड बदलेगा या डायरेक्शन बदलेगा या दोनों बदलेंगे, ये तो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो जो भी एक्सीलरेशन होगा इट इज ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन. चेंज इन डायरेक्शन के लिए जो एक्सीलरेशन होता है वो कैसे होता है, वो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होता है. जब वो इधर से जा रहा होगा उसका स्पीड तो वी होगा, लेकिन जो एक्सीलरेशन होगा वो किधर को होगा, इट विल बी लाइक दिस, this is nothing but dA by dt, जिसका वैल्यू होता है, एक्सीलरेशन होता है v₀2/r. अब ये पार्ट में रेडियस काफी ज्यादा है, ये पार्ट में रेडियस कम है, ये पार्ट में रेडियस इंटरमीडिएट है, तो जितना ज्यादा रेडियस उतना कम एक्सीलरेशन, तो सबसे कम एक्सीलरेशन कहां पे होगा, a में, एक्सीलरेशन एट a इज लेस देन, नेक्स्ट इसका रेडियस ज्यादा दिख रहा है इज एक्सीलरेशन एट सी, और यहाँ का रेडियस तो सबसे कम दिख रहा है, तो आर जितना कम होगा एक्सीलरेशन उतना ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन एट बी. क्या बातें समझ में आ रहा है, क्यों पीयूष समझ में आ गई नहीं यार? यस सर आया. हाँ तो बोलो यार, कंजूसी करते हो.
थोड़ा टू पू पू कुछ आवाज करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ हाँ ऐसा समझ में। ए पार्टिकल वाज थ्रोन वर्टिकली अप नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस फाइंड रेट ऑफ चेंज इन स्पीड एंड रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे मैं वो चीज को बताना चाहता हूं जो डीटी के बारे में समझाया था। डीटी क्या था? ए स्मॉल टाइम इंटरवल एट द इंस्टेंट ऑफ कंसर्न। कैसा था वो? टी माइनस डीटी बाई टू से टी प्लस डीटी बाई टू तक। यहां से कोई पार्टिकल को हम ऊपर फेंके, ऊपर गया नीचे आया, पहले फील करो। जब वो हाईएस्ट पॉइंट में है तब उसका ये दोनों क्वांटिटी निकालना है। पहले डीटी को समझते हैं। हाईएस्ट पॉइंट में यहां पर था, इससे थोड़े से पहले और थोड़े से बाद, मतलब ये टाइम कितना है डीटी बाई टू, ये टाइम कितना है डीटी बाई टू। ये टाइम को अगर हम टी कहेंगे तो ये टाइम हो गया टी माइनस डीटी बाई टू और ये टाइम हो गया टी प्लस डीटी बाई टू। नाउ यू सी यहां का स्पीड और यहां का स्पीड बराबर है कि नहीं? बराबर है। तो व्हाट इज द चेंज इन स्पीड? जीरो, क्योंकि स्पीड दोनों जगह बराबर है। चेंजिंग स्पीड जीरो हुआ तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगा? डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू जीरो। क्या मैं समझा पा रहा हूं ठीक से? क्या ये दोनों जगह वेलोसिटी बराबर है? नहीं, एक ऊपर की तरफ था नीचे की तरफ था। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो बट रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज जीरो। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी तो होता है एक्सीलरेशन, वो होता है बिकॉज ऑफ फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है? कोई भी पार्टिकल जा रहा है तो फोर्स उसके ऊपर है mg बाय मास इज सेम एज g। किस डायरेक्शन में? v2 माइनस v1 करो, v2 नीचे की तरफ माइनस v1 उसके साथ जोड़ोगे तो डाउनवर्ड होगा, तो डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. ये कुछ बच्चे मुंह में कुछ दबा के बैठे हैं, क्या मालूम उधर के बच्चे गुटका उटका खाते हैं क्या? आवाज ही नहीं निकल रहा उसका। समी क्या मुंह खोल के दिखाओ, पहले मुंह खोल के दिखाओ, कुछ खा रहे हो क्या? बोलते नहीं हो कुछ? केवल क्वेश्चन करो अभी आप लोग, इतना सारा क्वेश्चन मैं कर चुका हूं। यू आर गिवन वन मिनट, फाइंड रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है 20 मीटर पर सेकंड में, प्रोजेक्टाइल मोशन है। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड कब? एट द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन, जब फेंका गया, एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट। समझ में आया? जब फेंका गया और जब वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, अब रेट ऑफ चेंज इन स्पीड निकाल रहे हैं तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड करेंगे। स्पीड बढ़ रहा होगा तो हम लिखेंगे पॉजिटिव, घट रहा होगा तो लिखेंगे नेगेटिव। एट द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन, जब फेंका गया तो स्पीड तो घटने लगा, मतलब ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? क्या आएगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? स्पीड नेगेटिव, क्योंकि जैसे जैसे जाने लगा स्पीड घटने लगा, नेगेटिव आएगा। कितना? वो डिपेंड करता है द टैंजेंशियल फोर्स बाय मास, है ना। अब ये जो बॉडी को ऐसे फेंका गया है यहां से ऐसे, उसके ऊपर क्या फोर्स था? mg। और फोर्स का कोई कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी था क्या? नहीं, इट वाज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये mg ऐसे था, उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? ये 60 है तो ये 30 है, तो mg cos 30, सो इट कम्स आउट टू बी माइनस mg cos 30 बाय m इज माइनस g cos 30, रूट 3 बाय 2 हो गया तो 5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन इंडिकेट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग। क्या बात समझ में आया? नाउ एनी स्मार्ट मैन हु कैन आंसर व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट? जीरो, क्योंकि उसे डीटी सेकंड पहले जो स्पीड था, डीटी बाई टू सेकंड पहले जो स्पीड था, डीटी बाई टू सेकंड के बाद भी तो वही स्पीड है। देखो आप लोग कितना मस्त पकड़ रहे हो। डीवी बाई डी टी इज जीरो, ये हो गया बीट ए के लिए आंसर, ये हो गया बीट बी के लिए आंसर। क्या ये जीरो क्यों हुआ समझ में आया? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो दैट इज फोर्स बाय मास, बट हियर रेट ऑफ चेंज इन स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो। आया पकड़ में? नेक्स्ट, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड
हैज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 2 सेकेंड्स एट दिस इंस्टेंट व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ फॉरवर्ड कोई चीज को यहां से फेंका गया 2 सेकेंड के बाद पता चला कि ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है क्या स्पीड में 20 मीटर पर सेकेंड में कब एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स और कैसे मूव कर रहा है इट इज फ्लाइंग एट एन एंगल 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल यस एट दिस इंस्टेंट व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ फॉरवर्ड ये जो पाथ है अगर ये पाथ को किसी एक सर्किल का हिस्सा मानेंगे हम लोग ऐसा कोई एक सर्किल का हिस्सा है तो उस सर्किल का रेडियस क्या है दैट इज व्हाट आई वांट टू नो द रेडियस ऑफ कर्वेचर यू नो द रेडियल एक्सीलरेशन इज वी स्क्वायर बाय आर तो आप कहोगे रेडियल एक्सीलरेशन इज वी स्क्वायर बाय आर एंड दैट इज अगेन नॉर्मल फोर्स बाय मास फोर्स नॉर्मल टू द वेलोसिटी अब यहां पे इसके ऊपर फोर्स क्या आ रहा है mg फोर्स नॉर्मल टू वेलोसिटी मतलब द फोर्स इन दिस डायरेक्शन और ये अगर 30 हुआ तो ये 60 हुआ ये 30 हुआ तो ये हो गया mg cos 30 क्या बात समझ में आया तो v स्क्वायर बाय r क्या हो गया mg cos 30 बाय m दैट इज g cos 30 तो फिर r कितना है r इज v स्क्वायर बाय g cos 30 it is moving in a circle of radius r or radius of curvature of the path is v square by g cos 30 v दिया हुआ है 20 meter per second g cos 30 आप निकाल सकते हो है ना सिंपल को जी हाँ बोलो g cos 60 होगा कि g cos 30 होगा अरे देखो भाई ये 30 degree है तो ये कितना हुआ 60 degree हुआ तो ये कितना हुआ 30 degree हुआ हाँ वो सबके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा स्मार्ट बन के बैठ जाओ नीट क्लास में ऐसे पूछने से थोड़ी हो केटी को समझ में आया कि आप जितने आ तेरी आवाज नहीं आ रहा है या तो माइक्रोफोन ऑफ है या फिर तू गूंगी है जोर से बोलो आया कि नहीं आया आया तेरा माइक्रोफोन ठीक से काम नहीं कर रहा शायद एनीवे ए प्रोजेक्टाइल हैज मिनिमम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड When velocity is minimum, what is the radius of curvature? कोई projectile का velocity minimum है 10 meter per second. और आप जानते हो सबसे कम velocity कहाँ पे होता है? जहाँ पर potential energy सबसे ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पर है. तो यहाँ पर velocity है 10 meter per second. 10 meter. हाँ, पूछा है. What is the radius of curvature? तो पहले देखना है कि what is the force normal to velocity. हम जानते हैं v square by r और The radial acceleration is v square by r is normal force by mass is कितना है normal force mg यहाँ पर force है mg तो acceleration क्या हो जाएगा g तो r is equal to v square by g 10 का square by 10 टन 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 10 meter क्या बातें समझ में आया yes, yes, sir. आगे Now, ये आपके लिए है तुरंत बताओ 30 सेकंड के में V versus X diagram for two bodies A and B are shown in figure. At a displacement X is equal to 10 meter. कोई एक displacement में जहाँ X is equal to 10 meter हुआ. Acceleration of A is more than acceleration of B. Acceleration of A is less than acceleration of B. Only girls will answer. Only girls. हाँ. Who can answer? Quickly answer. खुशी को पहला मौका दिया जाता है. नहीं. जो से बोलो बेटा ए बी सी डी ई कहाँ बोल दिया यार ये ए बी सी डी है सी सी हाँ वेरी करेक्ट बेटा बहुत मजा आ रहा है कि आप लोग बढ़िया आंसर बता रहे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों का एक्सेलरेशन ये ठीक सेम बता रहा है क्या बाकी लोग बॉयज भी वही बोल रहे हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हम लोग दिमाग में बैठा रखे हैं कि the graph is a straight line, but remember that is for V versus T diagram. ये V versus X diagram है. दोनों diagram parallel है, मतलब दोनों का dV by dx बराबर है, but दोनों का V बराबर है क्या भैया? देखो तो,
क्या ये दोनों का भी बराबर किसी एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट में इसका भी बराबर है? नहीं है। तो दोनों का एक्सीलरेशन कैसे बराबर हो सकता है? इसलिए तो उस चीजों को मैं पकड़ के बता रहा हूं आप लोगों को। क्या दोनों का एक्सीलरेशन बराबर होगा? यू नो इन वी वर्सेस एक्स डायग्राम हाउ यू फाइंड द एक्सीलरेशन वी डीवी बाय डीएक्स। ध्यान से सुनेंगे तो बढ़िया से बताएंगे। डीवी बाई डीएक्स किसका ज्यादा है? डीवी बाई डीएक्स स्लो, दोनों पैरेलल है तो डीवी बाई डीएक्स बराबर है। लेकिन भी किसका ज्यादा है? ए का भी ज्यादा है। तो आप कहेंगे एक्सीलरेशन ऑफ ए इज मोर देन एक्सीलरेशन ऑफ बी। क्या बात समझ में आया? हाँ, जो गड़बड़ कर रहे हो पकड़ो, ये सब फंडामेंटल गड़बड़ है। देखते नहीं हो इधर क्या लिखा है? अगर मैं यहाँ पर x के जगह t लिखा होता तो आप कहते दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है, दोनों dv by dt है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम, वेलोसिटी टाइम डायग्राम, स्पीड टाइम डायग्राम, एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम, सारे का वेरिएशन देखेंगे। जो जो इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उतना ही शेयर कर दूंगा मैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम, इट कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन के लिए ही डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम ड्रॉ हो सकता है। बुक में चीजों को हाईलाइट नहीं किया गया है, क्योंकि जब ये चीज दिया गया तब चैप्टर का नाम ही है मोशन इन वन डायमेंशन, तो बोलते नहीं है। मोशन इन वन डायमेंशन में होगा तभी डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि या तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। एक डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव कहोगे, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव कहोगे। मतलब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट या तो एक डायरेक्शन में है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, किसी तीसरे डायरेक्शन में नहीं है, तभी कर सकते हो। मतलब मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी डीएस बाई डीटी। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोई वाई वर्सेस एक्स डायग्राम में स्लोप गिव्स यू डीवाई बाई डीएक्स, तो एस वर्सेस टी डायग्राम में इट गिव्स यू डीएस बाई डीटी। एस वर्सेस टी डायग्राम में डीएस बाई डीटी, सो दिस स्लोप रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। आया समझ में? अब ये स्लोप जो है ये वेलोसिटी तो है, और बस इसका यूज करके आगे आगे देखो। इसे छोटा सा क्वेश्चन ये दिया हूं मैं, यहां पर कोई एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डायग्राम दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट ऐसे बदल रहा है, ए बी सी डी में उसका वेलोसिटी को असेंडिंग ऑर्डर में रखो। मतलब सबसे कम वेलोसिटी कहां पर था, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां पर था। अब वेलोसिटी इज द स्लोप डीएस बाई डीटी, एंड स्लोप इज टैन थीटा। थीटा बढ़ता है तो टैन थीटा बढ़ता है। यू नो ये जो केस है, यहां पे जो एंगल है, यहां पे उससे ज्यादा एंगल दिख रहा है कि बराबर एंगल दिख रहा है? बराबर एंगल दिख रहा है। देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, मतलब ए का स्लोप सी का स्लोप बराबर है। डी का एंगल हर एंगल के साथ ज्यादा है, जबकि बी का एंगल हर एंगल के साथ कम है। इसका मतलब सबसे कम वेलोसिटी कहां पर होगा? वीबी। उसके बाद वीबी इज लेस देन वीए एंड दैट इज इक्वल टू वीसी, क्योंकि दोनों पैरेलल है, स्लोप इज सेम। और सबसे ज्यादा वेलोसिटी जहां पर स्लोप सबसे ज्यादा है, कहां पे? वीडी। क्या मैं समझा पा रहा हूं? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। आपकी एंट्रेंस में आया है वो एक स्मूथ कर्व दिया था, आपके एंट्रेंस में जो आया था वो एक ऐसे स्मूथ कर्व दिया था, ऐसा करके मैं थोड़ा ऐसे कर दिया ताकि आपको समझने में आसान होगा। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम डायग्राम, ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम में क्या क्या रेस्ट्रिक्शन से क्या क्या लिमिटेशन से पहले जान लेते हैं। इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू मोशन इन वन डायमेंशन ऑनली, रीजन इज द सेम। वेलोसिटी टाइम डायग्राम सिर्फ मोशन इन वन डायमेंशन के लिए कर सकते हैं, जहां पर वेलोसिटी या तो एक डायरेक्शन में होगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अकॉर्डिंगली वेलोसिटी को या तो पॉजिटिव लेंगे या फिर नेगेटिव लेंगे, किसी तीसरे डायरेक्शन में नहीं होगा। कहने का मतलब है फॉर ए वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, ओके यू कैन ड्रॉ योर वेलोसिटी टाइम डायग्राम। फॉर ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेटिंग, मान लो कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ये ऑसिलेट कर रहा है, ये भी तो वन डायमेंशनल हो रहा है, इसके लिए भी वेलोसिटी टाइम डायग्राम कर सकते हैं। लेकिन फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन You cannot draw velocity time diagram. क्या बातें समझ में आ रहा है?
बस इतने ही पूछा जाएगा चीजें। ओके फाइन, यू अंडरस्टैंड कि मोशन इन वन डायमेंशन के लिए हम कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम डायग्राम। सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट पॉसिबल। डायग्राम में पता चला कि ऐसा कोई वेलोसिटी टाइम डायग्राम है और इसमें पता चला कि वेलोसिटी ऐसे था, सडनली घट के ये हो गया। सडन चेंज इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के कारण वेलोसिटी को एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में बदलने के लिए कुछ टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? ए डी टी, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। चाहे कितना भी एक्सीलरेशन दे दो, यू नीड सम टाइम डेल्टा टी। कितना है वो टाइम? डी वी बाई ए। बिना टाइम दिए सडनली वेलोसिटी एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में बदल नहीं सकता। सो सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट अलाउड। स्लोप गिव्स एक्सीलरेशन, दैट एवरीवन नोज बीटी डायग्राम में। एंड एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। यहां पर फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं एक डायग्राम लिया हूं। इसमें देखो कोई पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ा, घटा, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। ए वन क्या है? इट इज द एरिया ड्यूरिंग द फॉरवर्ड मोशन, जब वेलोसिटी पॉजिटिव था। ए टू इज द एरिया ड्यूरिंग द रिवर्स मोशन, जब वेलोसिटी उल्टे डिरेक्शन में था, नेगेटिव था। एक डिरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, दूसरे डिरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कोई पूछेगा इज पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया, क्योंकि गया एक डिरेक्शन में, आया उल्टी डिरेक्शन में। गया ए वन डिस्टेंस, एरिया इज द डिस्प्लेसमेंट, और आया ए टू डिस्टेंस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया ए वन माइनस ए टू। बट द टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज ए वन प्लस ए टू, दैट एवरीवन नोज। एंड हियर दिस इज अ वेरी पॉपुलर ग्राफ, यू मस्ट रिमेंबर हाउ दिस ग्राफ्स आर रिलेटेड। Constant velocity, you clearly see it is a graph of d, d is constant velocity, है ना? Constant acceleration, ये v versus t diagram है, constant acceleration is a straight line and it is v. Constant retardation, velocity uniformly घट रहा है, it is the case of f. Increasing acceleration मतलब एक तो speed बढ़ रहा होगा और रेट ऑफ चेंज इन स्पीड मस्ट बी मोर। स्पीड बढ़ रहा है तो हम कहेंगे इनके सब सी भी स्पीड बढ़ रहा है, इनके सब ए भी स्पीड बढ़ रहा है, इनके सब बी तब भी स्पीड बढ़ रहा है। सर आप कब स्पीड बोलते हो, कब वेलोसिटी बोलते हो, कोई चिंता की बात नहीं। व्हेन यू आर मूविंग विद और द मोशन इज इन वन डायमेंशन, तो वेलोसिटी का बदलना और स्पीड का बदलना दोनों बराबर है, क्योंकि डायरेक्शन बदल ही नहीं रहा, यू आर मूविंग अराउंड स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा केस में आपको कि इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, dv / dt इज अ स्लोप, स्लोप इज tan थीटा। देखो तो इनके सब a, ये पहले स्लोप एंगल ज्यादा था, धीरे धीरे एंगल घटने लगा, मतलब tan थीटा घटने लगा। सो a इज एक्सीलरेशन बट नॉट इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, ये तो एक्सीलरेशन का वैल्यू घट रहा है क्योंकि स्लोप इज डिक्रीजिंग, tan थीटा इज डिक्रीजिंग। सो दिस इज डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, कौन? a। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन इट इज द केस ऑफ c। अब इंक्रीजिंग रिटार्डेशन एंड डिक्रीजिंग रिटार्डेशन क्या आप पहचान सकते हो? इंक्रीजिंग रिटार्डेशन e में क्या है? e में देखो तो स्लोप पहले एंगल कम था, फिर ये एंगल ज्यादा होने लगा है, मतलब tan थीटा इज इंक्रीजिंग, व्हेन द tan थीटा वैल्यू इज इंक्रीजिंग, यू सी d इज इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, सॉरी इट इज इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। इंक्रीजिंग रिटार्डेशन हो गया कौन सा केस में? ई। और डिक्रीजिंग रिटार्डेशन ऑब्वियसली केस ऑफ जी। क्या मैं सबको समझा पाया? आगे चलिए, नाउ लुक एट दिस फिगर, यू कैन डू दिस, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तब तक थोड़ा मैं एसी ऑन करता हूं, काफी गर्मी हो रहा है, इधर ह्यूमिडिटी है, आप लोग करो इसको। थोड़े स्पीड में जा रहे हैं, क्या आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है?
सर टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर एंड टोटल डिस्टेंस 40 मीटर। चलिए देखते हैं। फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा हूं, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो। फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन में एकदम मोशन को थोड़ा ध्यान से देखो। देखो इसका वेलोसिटी पॉजिटिव था, कुछ समय के बाद नेगेटिव हो गया, मतलब किसी एक डायरेक्शन में था, फिर उल्टा हो गया, मतलब यहां से वो मुड़ के आना शुरू किया है। कब? तब जब उसका वेलोसिटी जीरो था, मतलब पहले जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन में कब तक गया हो? टी जीरो सेकेंड के लिए 25 मीटर। यस, तो अभी ये टी जीरो सेकेंड के लिए जा रहा है, पहले टी जीरो तो पता करें। पहले हम टी जीरो पता करते हैं। यहां पर देखो तो ये गैप जो है टी जीरो है, ये है 8 माइनस टी जीरो, और आपको मालूम चल रहा है कि ये जो ट्रेंगल है, ये जो ट्रेंगल है, दोनों सिमिलर है। सिमिलर है तो आप कहोगे 8 माइनस टी जीरो बाई टी जीरो इज इक्वल टू दिस बाई दिस दिस इज 10, 8 माइनस टी जीरो तो दिस इज 6 बाई 10। यहां से क्या पता चला? 3/5 है, so it is coming out to be 8 minus t0 into 10 is equal to 6 t0, so t0 कितना हो गया? It is coming out to be 80, ये 16 is 5, मतलब velocity कब जीरो हुआ था? At t0 is equal to 5 second पे। अच्छा, तो बीच नंबर वन का आंसर, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, पहले जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना दूर गया? कितना दूर गया? यहां तक गया, ये समय तक, उसके बाद तो उल्टा आ गया, मतलब दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, कितना है? आंसर हो गया 1/2 10 × 5 25 मीटर। गड़बड़ी मत कर देना, एक गड़बड़ी एक साल ज्यादा और एक्स्ट्रा तैयारी, समझ में आ रहा है? एक गड़बड़ी फिर से अगले साल की तैयारी, इसलिए ध्यान रखना सीखो और कोशिश करो कि हमारा गलत ना हो जाए। कर नहीं पाएंगे माफ किया जाएगा, गलत हो जाएगा माफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज पॉजिटिव एरिया प्लस नेगेटिव एरिया, सो यू से इट इज 1/2 10 × 5 प्लस ये कितना है? ये 5 है, ये 8 है, तो ये 3 है, 1/2 3 6, दिस इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड। टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, कितना है ये? 25, और ये हो गया 9, 34 मीटर। क्या ये सबको समझ में आया? Is it understood? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। A block of 4 kg was moving with 10 i cap meter per second. Direction दे दिया। A force of minus 16 i cap newton acts on it for 10 seconds. Find the distance moved in the third second of motion. ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, समझिए, क्वेश्चन को देखिए, समझिए और ट्राई करिए। यू कैन बी गिवन मैक्सिमम 1 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, ढेर सारी चीजें हमें देखना है। मेरा स्लाइड का अभी तक आधा हुआ है, बाकी आधा है, नाउ इट इज 25 हुआ है पेजेस, अनदर 25 पेजेस है। आद्याशा बताएगी तो मैं सबसे ज्यादा खुश हो जाऊंगा। देखिए आद्याशा, कोशिश करो। मैं वेलोसिटी टाइम डायग्राम देखता हूं, तो पार्टिकल का वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड, 10 आई कैप मीटर पर सेकंड, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है?
क्या कहोगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, बिकॉज फोर्स इज कॉन्स्टेंट. व्हेन द फोर्स इज कॉन्स्टेंट, फोर्स बाय मास इज एक्सीलरेशन. सो फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, द स्लोप हैज टू बी कॉन्स्टेंट. लेकिन जो फोर्स है वो माइनस 69 केप था और एक्सीलरेशन वेलोसिटी 10 केप था, मतलब फोर्स वाज ऑपोजिट टू वेलोसिटी. सो द फोर्स विल द वेलोसिटी विल डिक्रीज. वेलोसिटी डिक्रीज करने लगा 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 लगा, कहीं तो जाके जीरो हो गया होगा. लेकिन उसके बाद भी राहत नहीं मिला, फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाई हो रहा था, फिर उल्टे डायरेक्शन में चलने लगेगा. कितना समय के लिए? 10 सेकंड के लिए अप्लाई किया गया. दिस वाज अप्लाइड फॉर 10 सेकंड्स. ये हो गया मोशन. अच्छा, तो फिर सॉल्यूशन अगर करेंगे तो लिखेंगे इनिशियली वेलोसिटी, देखता हूँ बेटा एक मिनट, मुझे मालूम नहीं है वैल्यू. यू इनिशियल वेलोसिटी वाज समथिंग लाइक 10 आई कैप, जिसको मैं पॉजिटिव लिया हूँ इधर. तो क्यों आई कैप लिखू? मतलब पॉजिटिव मींस आई कैप, नेगेटिव मींस माइनस आई कैप. यू था 10 और इनिशियली आपका एक्सीलरेशन क्या था? एक्सीलरेशन वाज, इट वाज रिटार्डेशन. कितना था? फोर्स बाय मास माइनस 16 बाय 4, 24 मीटर. हाँ, देखते हैं, मुझे मालूम नहीं आंसर. 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो स्पीड घटने लगा, किसी एक समय के बाद जीरो हो गया. कब? मान लो कि टी जीरो हो गया, तो आप क्या कहोगे? इनिशियल वेलोसिटी था 10, 10 बाय टी जीरो इज 4. हियर 10 बाई टी जीरो इज द स्लोप और द रिटार्डेशन. यहाँ पर एक्सीलरेशन माइनस 4 है, मतलब रिटार्डेशन 4 है. इसका मतलब टी जीरो इज 2.5 सेकेंड्स. 2.5 सेकेंड में ये क्या हुआ? रेस्ट में आया. उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो गया. हमें पूछा है डिस्टेंस मूव्ड इन थर्ड सेकेंड ऑफ मोशन, 0 टू टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 1 फर्स्ट सेकेंड, आपको क्या पूछा गया? आपको पूछा गया है कि बताओ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल ऑफ टी इक्वल टू 2 टू टी इक्वल टू 3, व्हाट इज द डिस्टेंस. कोई पूछा होगा, डिस्प्लेसमेंट तो बोलते हैं 0, क्योंकि ये जितना एरिया होगा ये उतना ही एरिया होगा. डिस्प्लेसमेंट इन द थर्ड सेकेंड ऑफ मोशन इज 0. बात समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट इन द थर्ड सेकेंड ऑफ मोशन इज 0 बट नॉट द डिस्टेंस. ध्यान रहे यहां पर, हियर डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड इज 0 बट डिस्टेंस मूव्ड इन थर्ड सेकेंड. डिस्टेंस मूव्ड इन थर्ड सेकेंड जानने के लिए मुझे ये एरिया एरिया निकालना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा. ये टी जीरो जाओ लिखा हूं मैं यहाँ पे, ये टी जीरो का वैल्यू क्या था? टी जीरो वाज 2.5, हम लोग निकाले थे अभी अभी. और ये था टी इक्वल टू 2, तो ये 0.5 का है. अगर यहाँ पर क्या वेलोसिटी था पता चल जाएगा तो ये एरिया पता चल जाएगा. वेलोसिटी पता करने के लिए यू कैन क्लियरली सी वी बाई 0.5, ये वी और ये गैप है 0.5, वी और वी डैश को वी डैश बाय 0.5 इज अ स्लोप. क्या है? 4. तो आप कहोगे वी डैश बाय 0.5 इज 4 इंप्लाइज वी डैश इज 2 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, तो यहाँ पे वी डैश कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड. मैं कैसे कर रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? स्लोप इज ऑलरेडी फाउंड एज माइनस 4 और रिटार्डेशन इज 4 तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये हो गया वी डैश. अगर ये वी डैश बाय 0.5 इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 4, सो वी डैश बाय ये 2 है, ये 2.5 है, ये 0.5 है. वी डैश बाय 0.5, वी डैश बाय 0.5 इज इक्वल टू 4. वहां से मिल गया वी डैश इज 2 मीटर पर सेकंड. देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड? आप कहोगे टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज दिस एरिया प्लस दिस एरिया, पर सिमेट्री से पता चल रहा है कि दोनों एरिया बराबर है. सो टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड इन थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ
जी डैश इनटू 0.5 एक छोटा ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ वी डैश इनटू 0.5 और उसका डबल क्योंकि दो है सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2 इनटू 0.5 इज 1 मीटर। क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस। देखो छोटी छोटी चीजों में आप लोग गड़बड़ कर देते हो। मतलब मैं सही पकड़ा हूं, तुम लोग कहां गड़बड़। ये मेरा काम है कि आपका नॉलेज में जो भी वर्ड्स है जो गैप से उसको फिल करना। आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हो, अच्छे स्टूडेंट हो, तो अच्छे स्टूडेंट को पढ़ाने में भी मुझे कसरत करना पड़ता है, इसलिए मैं बाई चांस क्लास में मिस कर जाऊंगा बोल के पहले से मैं नोट्स बना लेता हूँ ताकि मैं सारा छोटी मोटी चीजों को पकड़ पाऊंगा। टू टेक ए क्लास ऑफ 1.5 आवर्स और 2 आवर्स आई हैव टू मेक ए स्लाइड ऑफ 1 आवर। मुझे एक घंटा लगता है सोच सोच के क्या बच्चों को मालूम नहीं होगा वो लिख के रखना। ठीक है? हाँ बोलो। ये वाले क्वेश्चन में वो u प्लस 2n माइनस 1 इनटू a बाय 2 वाला करने से गलत होगा ना? गलत होगा। उसमें जो ac इक्वल टू फॉर्मूला है, तुम जो फॉर्मूला बोल रहे हो जो आगे मैं बताने वाला हूँ, u प्लस a बाय 2 इनटू 2n माइनस 1, ये सही है फॉर्मूला, लेकिन इसमें ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हमने पूछा डिस्टेंस, इसलिए तो डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो देखो तो क्या है, 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालो आपकी फॉर्मूला से। u का वैल्यू 10 है, a का वैल्यू 4 था, सो इट इज 4/2, और ये कितना है, n का वैल्यू 3 है, 2 × 3 − 1, 4 सेकंड में 6 − 1 हो गया 5, ये हो गया 2 10, हो गया ना 0, वही तो निकला, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। आर यू गेटिंग? टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, ध्यान रहे s = ut + half a square में आपका s इज नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? काफी समय तक कोई बुरी आदत रह जाता है तो मतलब एक ही किस्म की चीजों को डील करते हर जगह वही हम सोचने लगते नहीं। कहीं ऐसा एक एरिया में आप रहोगे जहां पर हर कोई किसी को मौका मिलने से दूसरे का चीजें चोरी कर लेता है तो आपका भी आदत पड़ जाएगा वहां पर अपने आप को सजा रखने के लिए, सबको डाउट करने के लिए। क्योंकि अच्छी जगह में गए जहां पर ऐसा कभी नहीं होता वहां पर भी आप चौकन्ना रहोगे, बाई चांस कोई ले तो नहीं रहा, क्योंकि पुरानी आदत है, एक्सपीरियंस है ना। और जो पुरानी आदत है उसको निकालने के थोड़ा लंबा समय की प्रैक्टिस की भी जरूरत होता है। समझ में? एक आदमी था, वो बैंक में गया पैसा उठाने के लिए, तो बोले कि चेक दो, अपना चेक देंगे तो पैसा देंगे। वो चेक दिया, चेक पे सिग्नेचर मारा, अब बैंक वाले बोल रहे हैं कि अरे मैच नहीं कर रहा है, तुम्हारा नहीं है। उसको फाड़ा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, कोई भी उसका सिग्नेचर नहीं मैच कर रहा है। वो भी सरप्राइज है और बैंक वाले भी सरप्राइज है, आदमी को तो हम जानते हैं उसी के अकाउंट है, फिर भी उसका सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा, टोटली अलग आ रहा है। तो जो बैंक मैनेजर थे को बुलाया गया तो पूछे क्या करते हो भैया? बॉस में कंडक्टर है। ओ कंडक्टर हो क्या, तो फिर बोले आओ आओ मेरे पास आओ। एक टेबल पे लेके गए, बोले चेक में सिग्नेचर करो, टेबल पे डाल के। जब वो सिग्नेचर कर रहा था ये टेबल को ऐसे ऐसे हिलाने लगा, फिर उसके बाद जो सिग्नेचर निकला वो क्या था, एग्जैक्टली मैच कर गया, क्योंकि हिलते दुलते समय में लिखना उसका आदत है। समझ में आ रहा? ऐसे ही हो जाता है। तो ये हो गया, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर सम टाइम, देन विद कांस्टेंट रिटार्डेशन टिल इट स्टॉप्स, द मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन इज v0, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और सबको मालूम होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला कि कोई पार्टिकल रेस से स्टार्ट किया और क्या किया, कुछ एक्सीलरेशन में गया ये, फिर उसके बाद फॉर सम टाइम एंड देन विद कांस्टेंट रिटार्डेशन टिल इट स्टॉप्स, फिर रिटार्डेशन किया और रेस्ट में आ गया। द मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग दिस एंटायर मोशन उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना था, द मैक्सिमम वेलोसिटी वाज v0। बताओ उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है। बट इससे पहले लुक एट दिस फिगर एंड टेल मी, किसको पूछे, किसको तो पूछेंगे, आद्याशा को पूछते हैं, वो कभी नहीं बोलती है, साई को तो पता होगा। आद्याशा बताओ, ये पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम में दिखाया हूं, वो पहले एक्सीलरेट किया फिर रिटार्डेशन किया, उसका एक्सीलरेशन ज्यादा था कि रिटार्डेशन ज्यादा था? सर बोला तो नहीं है आपको डायग्राम, ठीक है डायग्राम को देख के बोलो।
इस पर दिस डायग्राम आइसोलेशन ज्यादा है कि रिटर्डेशन ज्यादा है? खुशी एक्सीलरेशन और रिटर्डेशन होता क्या है? हमारी सब क्लासेस करने के पीछे कंडीशन था कि आप वो प्लेलिस्ट को पढ़ोगे, नहीं तो पूरा एवरीथिंग विल गो अप, यू विल नॉट बी अंडरस्टैंडिंग, यू विल बी स्टैंडिंग अंडर, सब ऊपर से चले जाएगा। क्या आप लोगों को वीडियो को वॉच किए थे? हाँ, यस सर नो? खुशी किए हो? पूरा नहीं। तो फिर क्या फायदा हुआ? दो क्लास ले रहे मतलब उसका वर्कलोड काफी ज्यादा है क्या? अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुमको समझ में आ रहा है सब कुछ? आदिया सर को नहीं आ रहा है समझ में? आदिया सर को माइक्रोफोन दो। क्यों आदिया सर? ये है एक्सीलरेशन टाइम, ये है रिटार्डेशन पीरियड। एक्सीलरेशन समय का एंगल तुमको ज्यादा दिख रहा है कि रिटार्डेशन समय का एंगल ज्यादा दिख रहा है? जोर से बोलो, कौन सा एंगल ज्यादा दिख रहा है, थीटा वन की थीटा टू? मतलब कुछ गड़बड़ है क्या? सेम दिख रहा है क्या? क्या ये सेम दिख रहा है सबको? अब देखो और बताओ, सेम है कि डिफरेंट है? हाँ, अब कौन ज्यादा है, थीटा वन और थीटा टू? थीटा टू ज्यादा है, थीटा टू ज्यादा है। तो स्लोप इज टान थीटा टू, तेरा आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? टान थीटा टू ज्यादा है मतलब रिटार्डेशन इज मोर, एक्सीलरेशन इज लेस। मैं क्यों पूछा? ऐसा भी क्वेश्चन आया है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड देन अंडरगोज रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चूज द एप्रोप्रिएट वेलोसिटी टाइम डायग्राम। और उसमें डायग्राम में कुछ ऐसा दिया होगा, डायग्राम में कुछ ऐसे दिया होगा, आपको पहचानना है ये ऐसा है कि ये ऐसा है कि कैसा है करके दिया है। आपको देख के पता करना पड़ेगा डायग्राम से कि कौन सा वेलोसिटी टाइम डायग्राम सही है। तो इस डायग्राम से पता चल रहा है कि रिटार्डेशन ज्यादा है बिकॉज टान थीटा टू इज मोर, टान थीटा वन इज लेस, एक्सीलरेशन कम है। लेकिन वो पूछा नहीं है, पूछा है व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। कोई पार्टिकल रेस से स्टार्ट किया, कुछ एक्सीलरेशन में गया, फिर रिटार्डेशन में गया और रुक गया, एवरेज वेलोसिटी कितना है? मान लो टोटल टाइम ऑफ मोशन हो गया टी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर द डायग्राम। एरिया अंडर द डायग्राम कितना है? जो बोल नहीं पा रहा है हरदम बोले, अरे ऐसा तुम ही बोलो माइक्रोफोन लेके, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस वेलोसिटी टाइम डायग्राम? एरिया अंडर द डायग्राम, एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। आई एम डिसअपॉइंटेड, तुम लोग पढ़ के नहीं आया। तो टोटल एरिया क्या हो गया इसके नीचे? हाफ बेस हो गया टी, हाइट हो गया वी जीरो, सो ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल टाइम ऑफ मोशन क्या है? टी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम गिव्स यू वी जीरो बाय टू। तो एवरेज वेलोसिटी ओवर द कंप्लीट मोशन इज वी जीरो बाय टू। क्या बात, समझ में आया? ये लोग पढ़ के नहीं आ रहे तो फिर आगे फिर से हमारा सारा सिस्टम बदल जाएगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि दे आर नॉट कोऑपरेटिंग, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। सर क्या करें सर, जब भी मोबाइल खोलते हैं कुछ वीडियो वीडियो देखने के लिए वो रील्स सामने आ जाता है, और वो रील्स ऐसा है एक एक मिनट के होते हैं, उसके बाद ही पता नहीं चलता है कब दो घंटा निकल गया। होता ठीक है, अगर यही स्माइल एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेगा तो मिलेगा कि हाँ सक्सेसफुली साल भर गया, बट एंड ऑफ द ईयर में स्माइल्स गायब हो गए तो सोचो तो गड़बड़ है, तो बिगिनिंग ऑफ द सेशन है। और फिजिक्स इज सो वास्ट, ए रॉकेट मूव्स अप विथ अप फ्रॉम रेस्ट विथ कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन जी, करो इसको फॉर 4 सेकेंड्स,
then its fuel is exhausted. Height, maximum height attained. Again, your entrance question. A rocket moves up from rest with constant acceleration g for 4 seconds. Then its fuel is exhausted. Find the maximum height attained. क्या हम इसकी velocity time diagram? हाँ, क्या हुआ बेटा? 80 meter. 80? 80? Yes. चलो देखते हैं. ये कुछ ऐसे बोल रहा है. पहले मैं इसका velocity time diagram draw करके देखता हूँ कि कैसे दिख रहा है velocity time diagram. मैं velocity time diagram draw करता हूँ. ठीक है. तो ये हो गया कोई पार्टिकल जिसका velocity time diagram draw करना चाहते हैं. और रॉकेट शुरू शुरू में कैसे गया? वो विथ एक्सीलरेशन गया. क्या एक्सीलरेशन? जी मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन डायग्राम गोज लाइक दिस. ऐसा कब तक गया? गया वो कब तक? 4 सेकंड तक. 4 सेकंड तक कुछ ऐसा हाल था. उसके बाद उसका फ्यूल खत्म. फ्यूल खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा? क्या तुरंत गिर जाएगा? नहीं, तब तक कुछ वेलोसिटी आ गया और भी ऊपर जाएगा. लेकिन उसके बाद उसके ऊपर फोर्स क्या है? ओनली एमजी. तो एक्सेलरेशन क्या है? जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. पहले एक्सेलरेशन क्या था? जी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो इट वाज एक्सेलरेशन. वेलोसिटी वाज इंक्रीजिंग. फिर उसके बाद जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी तुरंत जीरो नहीं हो जाएगा. द वेलोसिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग और डिक्रीज करते 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 कुछ समय के बाद जीरो होगा. कहां पे? एट द हाईएस्ट पॉइंट. उसके बाद गिरने लगेगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा. क्या बात समझ में आया? वेलोसिटी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा ऊपर जाते वक्त और एकदम हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव होगा क्योंकि गिरने लगेगा. ऊपर जाते वक्त अगर उसका एक्सीलरेशन जी था और मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है मालूम नहीं है, सेट इज भी जीरो था, तो नीचे आते वक्त भी रिटर्न भी तो जी ही था. तो जाने के लिए जितना समय लगा आने के लिए उतनी समय लगा. ये 4 सेकंड है तो ऑब्वियसली सिमेट्री से आप कहोगे ये भी होगा 4 सेकंड का गैप, मतलब ये टोटल टाइम होगा 8 सेकंड. व्हाट इज वी जीरो? आप कहोगे वी जीरो बाय 4 इज जी द एक्सीलरेशन. मतलब वी जीरो इज 40 मीटर पर सेकेंड. और वी जीरो इज 40 मीटर पर सेकेंड समझ में आ गया. रवि समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा तुम्हें? अच्छा ठीक है. रवि का आवाज भी एकदम नहीं आ रहा. मुझे पता ही चला तुम लोग शांत बैठे हो कि हल्ला गुल्ला कर रहे हो. माइक्रोफोन खराब है. भीजर हो गया 40 मीटर पर सेकंड. अभी तो समझ में आ रहा होगा कि नीट की तैयारी कितना डिफिकल्ट है. शुरू शुरू में लग रहा था कि क्या है इसमें, पढ़ लेंगे. लेकिन पढ़ना और ढंग से पढ़ना, पढ़ना और अश्योर होकर पढ़ना कि मुझे मिलेगा, इसमें अंतर है. न्यूज़पेपर जैसे पढ़ना है कि ध्यान लगा के पढ़ना है और चीज़ों को याद रखना है. न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता. टीवी में मूवी देखना है क्या, कोई फिजिक्स का लेक्चर देखना है, काफ़ी अंतर है. मूवी देखो भूल जाओ, कोई पूछने वाला है नहीं. लेकिन इसको देखो तो याद रखना पड़ता है. वी जीरो इज 40 मीटर पर सेकेंड. पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन. मैक्सिमम हाइट कब होगा? एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जीरो. उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो जाता है क्योंकि नीचे गिरने लगेगा. तो मैक्सिमम हाइट होगा एट 8 सेकेंड्स पे. मैक्सिमम हाइट इज अटेन एट टी इक्वल टू 8 सेकेंड्स. और मैक्सिमम हाइट क्या होगा? दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन. मतलब एरिया इट इज हाफ बेस हो गया 8. हाइट हो गया कितना अभी अभी निकाले 40. सो इज इट कमिंग आउट टू बी 4 × 4 160 मीटर्स. रोशन समझ में आया?
मैं पहले v इज इक्वल टू यू प्लस 80 फिर h इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2g क्या ऐसे फिर भी अलग नहीं आना चाहिए ऐसे नहीं मैं v इज इक्वल टू 4 क्या v इक्वल टू प्लस 40 v इक्वल टू यू प्लस 80 तो किए तो 40 मीटर पर सेकंड मिला कि नहीं मिला मिला ना और v स्क्वायर बाय 2g करोगे तो उसके बाद का वेलोसिटी मिलेगा डिस्टेंस मिलेगा उसके पहले का जब v स्क्वायर बाय 2g यस 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 पहले तुम v निकाल दिए फिर v स्क्वायर बाय 2g किए मतलब जब वेलोसिटी v हो गया उसके बाद कितने ऊपर गया v स्क्वायर बाय 2g वो सही है लेकिन उससे पहले कुछ ऊपर गया था है कि नहीं वो देख सकते हो ग्राफ पर एक्सप्लेन कीजिए और ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे अच्छा ठीक है कोई रॉकेट को हमने फायर किया ऊपर की तरफ क्या एक्सीलरेशन में एक्सीलरेशन था जी 4 सेकंड के बाद उसका फ्यूल खत्म हो गया तो वो क्या करेगा फ्यूल खत्म हो जाएगा तो उसका एक्सीलरेशन बंद अब जैसे ये गया कुछ यहां तक आया इट गोज अप टू दिस पॉइंट यहां पर फ्यूल खत्म हो गया मतलब यहां तक एक्सीलरेशन क्या था जी उसके बाद यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगा और ऊपर जाएगा लेकिन तब उसके ऊपर फोर्स क्या है ओनली mg है ना तो एक्सीलरेशन क्या है ये जोन में एक्सीलरेशन था g अपवर्ड और ये जो ऊपर गया और नीचे आया ड्यूरिंग दिस मोशन ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्सीलरेशन वाज g डाउनवर्ड है कि नहीं हाईएस्ट पॉइंट में कब पहुंचा जब वेलोसिटी जीरो है तो हमारा वेलोसिटी टाइम डायग्राम में देखो पहले स्पीड बढ़ा फिर घटने लगा और हाईएस्ट पॉइंट में जीरो हो गया दिस इज द पोजीशन पॉइंट टाइम एट व्हिच इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या मैं समझा पा रहा हूं यस सर यस 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 ओके ओके ये कार कैन हैव मैक्सिमम रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकंड पे है The driver has reaction time 2 seconds. While driving at a speed of 90 km per hour, find in what minimum distance he can stop the car after seeing an object in front of him. A car ka maximum retardation kitna hota hai 5 meter per second square. Pura brake lagayega tab bhi uska retardation hoga 5 meter per second square. जब वो जा रहा था और उसका रिएक्शन टाइम कितना है ड्राइवर का 2 सेकंड्स ड्राइवर का रिएक्शन टाइम इज 2 सेकंड्स मतलब उसका जो रिफ्लेक्स एक्शन आ रहा है कोई चीज को देखने के बाद देयर इज अ गैप बिटवीन सीइंग द थिंग एंड गिविंग रिफ्लेक्टिव एक्शन समझ में आ रहा उसके बीच में एक गैप है जैसे मैं ये पेन को यहां से गिराता हूं मेरा पेन को क्यों गिराऊंगा टूट जाएगा ये चलो ये पेन को मैं यहां से गिराता हूं और मुझे कहा गया कि पेन जब गिरेगा उसको पकड़ लेना है तो मैं यहां से गिराया और सचमुच गिर गया ये अच्छा यहां से गिराया और ये पकड़ लिया लेकिन मैं गिराऊंगा तुम पकड़ो तो ट्राई करके देखो अगर मैं 1 2 3 करके छोड़ूंगा और तुमको कैच करना है तो देखोगे कैच करते करते पेन कुछ दूर निकल गया है मतलब पेन को यहां से यहां तक आने के लिए जितना समय लगा उतना समय तक अंदर से आपका रिएक्शन चल रहा था उसके बाद आप इसको कैच कर लीजिए क्या बात समझ में आ रहा है कुड यू फॉलो व्हाट इज रिएक्शन टाइम रिएक्शन टाइम समझ में आया ना इसका मतलब वो कार पे उसका रिटार्डेशन तो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकिन जो ड्राइवर है उसका रिएक्शन टाइम है 2 सेकंड्स मतलब कोई चीज देखने के बाद रिएक्ट करने के लिए उसको 2 सेकंड लगता है किसी किसी का ज्यादा होता है किसी किसी का कम होता है अब बताओ रिएक्शन टाइम ज्यादा होना अच्छा है कि कम होना अच्छा है कम होना अच्छा है कुछ लोगों का बहुत ज्यादा होता है कोई उनको कमेंट करके चला गया और आधा घंटे बाद उनको समझ में आता अच्छा ऐसा बोला क्या आधा घंटा में लगा रिएक्शन करने के लिए तो जितना जितना कम होगा उतना ज्यादा सेंसिटिव रहेगा रिफ्लेक्टिव रहेगा दिया है कि व्हाइल ड्राइविंग द कार एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर यू नो 90 किलोमीटर पर आवर इज हाउ मच मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई 5/18 5/18 मल्टीप्लाई करो तो इट इज 25 मीटर पर सेकेंड जब वो 25 मीटर पर सेकेंड में जा रहा था सामने कोई भैंस आ गया तो उसको ब्रेक लगाना है
तो पूछा है कि बताओ इन व्हाट मिनिमम डिस्टेंस ही कैन स्टॉप, कितना कम से कम कितना डिस्टेंस में रुकेगा? 22.5 मीटर। चलिए देखते हैं, पहले समझे कि हमारा ये जो रिएक्शन पीरियड है 2 सेकंड का, उस समय क्या हो रहा था? उस समय तो उसका रिएक्शन अंदर तैयार हो रहा था, एक्शंस वेयर प्रिपेयरिंग, सिग्नल्स जा रहे थे, मसल एक्शन करना शुरू कर लिए, शुरू नहीं किए थे। तो आप क्या कहोगे, ड्यूरिंग दैट पीरियड स्पीड वाज कांस्टेंट। मतलब अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये जो आदमी है उसका अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ, वो डायग्राम कैसे दिखेगा? पहले फॉर सम टाइम ये रिएक्शन कर रहा था तो उतने ही स्पीड में जा रहा था, कितना समय के लिए? 2 सेकंड के बाद। उसके बाद ब्रेक लगाएगा और रुकेगा तो वेलोसिटी घट के 0 हो जाएगा। मतलब ये भी हुआ कि ये टाइम तो है 2 सेकंड्स, ये टाइम कितना है मालूम नहीं है, सही डिस्टी, और यहां पर रिटार्डेशन हो रहा था। क्या रिटार्डेशन था उसका? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी कितना था? 25 मीटर पर सेकंड। शुरू में कार चला रहा था 25 मीटर पर सेकंड, ये बात, शुरू में स्पीड था 25 मीटर पर सेकंड। अरे सर 62.5। डॉक्टर को सॉरी बोलना मना है, मैं बताया था। अभी देखो मैं डेली चेकअप में जा रहा हूँ, मेरा डॉक्टर अगर सॉरी बोल देगा तो, सॉरी मैं गलत मेडिसिन दे दिया था, एक छप्पड़ खींच के लगा दूंगा। लेकिन आज भी जा रहा है, तेरे को लगने से नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, डॉक्टर को सॉरी बोलना मना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेरे को लगा ये हुआ वो हुआ, उधर से चला गया, उधर से वो ये आ गया, ये कुछ बहाना नहीं चलेगा, पेशेंट कुछ नहीं सुनेंगे, सॉरी हमारे जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अच्छा चलो देखिए, इधर देखिए ये एक्सीलरेशन, अच्छा ये 25 है, क्या मुझे कोई बताएगा कि ये टाइम गैप कितना है? बताने वाले तो एक ही लड़की है, नाम है उसका ए से शुरू, कौन है वो? क्या कोई बताएगा ये कितना टाइम है? रिटार्डेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 25 है, तो 25 बाय दिस इज इक्वल टू द स्लोप, ये 25 है, ये कितना होने से ये स्लोप होगा 5, ये होना चाहिए 5। मतलब ये कौन सा टाइम है? 7 सेकंड। क्या वो लड़की को मालूम है किसका नाम ए से शुरू होता है? यस सर। हां देखा, फिर भी नहीं बोलती है। देखो अभी वेलोसिटी टाइम डायग्राम आपके सामने, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड? वो सामने कोई ऑब्जेक्ट को देखा, 2 सेकंड के लिए रिएक्ट किया, फिर ब्रेक लगाया और 3.7 सेकंड में रुक गया, क्योंकि उसका रिटार्डेशन था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पीड था 25 मीटर पर सेकंड, रुकने के लिए समय लगेगा 25/5=5। सारा चीज डिटेल में नहीं लिख सकता हूं मैं, आपको समझ में आ रहा होगा? क्या आ रहा है समझ में? अब मुझे निकालना व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड, मतलब ये टोटल एरिया निकालना। सो मिनिमम डिस्टेंस मूव्ड आप कहोगे इट इज a1 प्लस a2, ये दोनों एरिया को जोड़ दो। a1 कितना है? 25 × ये कितना है? 2। a2 कितना है? हाफ हाइट इंटू बेस, इट इज 50 + ये 25 × 5 इज 125/2 इज 62.5, इट इज 112.5। क्या बात, समझ में आया? सॉरी डॉक्टर, डॉक्टर सॉरी, सॉरी डॉक्टर का तो गड़बड़ में अंत नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ स्पीड बढ़ाओ, बोलता है नहीं सर नॉलेज बढ़ाएंगे, स्पीड में क्या रखा है मेरे को तो आता है, आने से कुछ नहीं होता है, आपको सब कुछ आता है फिर भी आपसे कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो। मेरे को साइकिल चलाना आता है लेकिन मैं चला नहीं सकता हूँ क्योंकि काफी दिन से नहीं चलाया, ठीक है, आने से कुछ नहीं होता है। क्या ये क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आया? आगे स्पीड टाइम डायग्राम, हम लोग वेलोसिटी टाइम डायग्राम देख चुके हैं। देखो मैं यहाँ पर थ्योरी नहीं मतलब न्यूमेरिकल्स नहीं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, थ्योरी में जिस चीज कोने में आपका कुछ गड़बड़ है उस चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पीड टाइम डायग्राम कैन बी ड्रॉन फॉर ऑल मोशंस,
क्योंकि उसका कोई डायरेक्शन है ही नहीं, इट्स ओनली ए पॉजिटिव क्वांटिटी, स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव। सिंपल हार्मोनिक मोशन से शुरू करके पिरामिडल मोशन से शुरू करके वर्टिकल मोशन, सर्कुलर मोशन, सारे के लिए स्पीड टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम क्या दिया है, इट कैनॉट बी नेगेटिव क्योंकि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड इज नॉट अलाउड, स्पीड भी सडनली बदल नहीं सकता, इट ऑलवेज टेक्स टाइम। स्पीड बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगा, वेलोसिटी को बदलने के लिए टाइम लगता है। एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स क्या देता है, गिव्स द डिस्टेंस। और अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है, यू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड, तो स्पीड टाइम डायग्राम करने में जस्ट उसका जो नेगेटिव पार्ट है उसको फ्लिप कर देना, ये पार्ट को ऊपर उठाओ, ये हो गया स्पीड टाइम डायग्राम। मतलब यहां पर वेलोसिटी था -2 मीटर पर सेकंड, यहां पर स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, दैट्स ऑल। सो वेलोसिटी टाइम डायग्राम से स्पीड टाइम डायग्राम करना काफी आसान है। समझ में आया? आगे इफ योर वेट इज नॉट डिक्रीजिंग हाफ के जी एवरी मंथ, आप बढ़िया से नहीं पढ़ रहे हो, इतना पढ़ना है, पता चला वेट बराबर है या फिर बढ़े जा रहा है, मतलब पढ़ाई जोर नहीं हो रहा है, ठीक है, इतना रगड़ के पढ़ो। एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम, अगेन इट कैन बी ड्रॉन फॉर ऑल मोशंस अंडर कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर फोर्सेस मतलब कोई बॉडी के ऊपर कुछ फोर्सेस आ रहे हैं और मूव कर रहे हैं, वो सारा फोर्सेस जो है वो कोलिनियर है, मतलब या तो एक डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, जो भी है सारा फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन बराबर है। ऐसा फोर्सेस के अंडर में जितने भी किस्म की मोशन होंगे उनके लिए हम एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। क्या बताओ ये जो डायग्राम है, कोई पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया गया और हो गया और ऐसे गया ऐसे गिरा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, पॉपुलर है, हर कोई जानता है, क्या हम ऐसा कोई मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम के रेस्ट्रिक्शन क्या था, फॉर मोशन इन वन डायमेंशन ओनली, क्या वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते? नो, दिस इज नॉट मोशन इन वन डायमेंशन। क्या स्पीड टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? यस, स्पीड टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। क्या एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? देखो हाउ इज एक्सीलरेशन थ्रू आउट द एंटायर मोशन, उसके ऊपर एक ही फोर्स आ रहा था, एक्सीलरेशन कैसे था डाउनवर्ड, तो एक्सीलरेशन वाज कांस्टेंट, यस एक्सीलरेशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सारा पढ़ाने के बाद छोटी छोटी चीजें तुम लोग नहीं बताओगे तो कैसे होगा? तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कौन कौन सा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं वो पूछ लेंगे नीचे, इतना पढ़ा के जाओगे वहीं पे फंस जाओगे। मैं आई टेक ए टेस्ट ऑल्सो ऑन दैट, तो आपको पता चलेगा कि क्या किस चीजों के ऊपर मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये जो चीजें दिया जा रहा है डायरेक्ट कोर चीजें दिया जा रहा है, सारी चीजों को बढ़िया से याद रखो, इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है कि जिसको आप भूल जाओगे फिर भी चलेगा, जितना चीज बता रहा हूं आई एम अपग्रेडिंग अपडेटिंग योर नॉलेज। सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड इज पॉसिबल वेलोसिटी टाइम डायग्राम में, पॉसिबल नहीं था, स्पीड टाइम डायग्राम में पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहां पे पॉसिबल है। क्या? सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज पॉसिबल। कैसे? मान लो कि कोई बॉडी को मैं धक्का देके लेके जा रहा हूं, एज लॉन्ग एज आई एम पुशिंग विद ए फोर्स एफ, इट इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन ए बाय एम, मेरे को जब मर्जी किया मैं हाथ छोड़ दिया तो तुरंत एक्सीलरेशन क्या हो गया? जीरो। एक्सीलरेशन सडन चेंजेस फ्रॉम सम वैल्यू ए बाय एम टू जीरो। So acceleration can undergo a sudden change. Area under diagram gives the change in velocity. मतलब final velocity minus initial velocity. ध्यान रहे, area under diagram gives change in velocity. मैं क्वेश्चन कहीं देखा हूँ, वहाँ पर दिया था area under the diagram gives the displacement, velocity, change in velocity. It doesn't give velocity. It gives change in velocity. Okay. And for motion in one dimension. पॉजिटिव एरिया मींस इंक्रीजिंग स्पीड, नेगेटिव एरिया मींस डिक्रीजिंग स्पीड। एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम में अगर हम वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है तो हम कहेंगे सपोज किसी का एक्सीलरेशन ऐसे बदल रहा है तो पॉजिटिव एरिया इज चेंजिंग स्पीड, नेगेटिव एरिया इज ऑल्सो चेंजिंग स्पीड, बट पॉजिटिव एरिया इज इंक्रीजिंग स्पीड एंड नेगेटिव एरिया इज डिक्रीजिंग स्पीड। क्या बातें समझ में आया? Yes, sir. Now, कहानी शुरू हो जाता है।
देखो करो, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। ए पार्टिकल वॉज मूविंग विथ वेलोसिटी 6 meter per second, इट्स एक्सिलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस फ्रॉम 2 meter per second square टू 8 meter per second square इन 5 seconds, फाइंड फाइनल वेलोसिटी। इस क्लास में आने के लिए आपको बढ़िया से मेहनत करके आना पड़ेगा। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ दिस क्लास। यू हैव टू मेक योर सेल्फ बी फिटेड टू अटेंड द क्लासेस, सो कम प्रिपेयर्ड एंड डू, तभी आपका नॉलेज अपडेट होगा और इतना सारा भार्ट कोर्स खत्म हो पाएगा। ए पार्टिकल वॉज मूविंग विद वेलोसिटी 6 meter per second, ठीक है, मैं थोड़ा उसका एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूँ। हाउ इज द एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम, इसका एक्सीलरेशन क्या हुआ है, एक्सीलरेशन चेंजेस फ्रॉम 2 meter per second square टू 8 meter per second square इन 5 seconds, पहले था 2 meter per second square, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर गया बन गया 8 meter per second square, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर गया बन गया 8 meter per second square, पहले क्या था 2 meter per second square, कितने समय में हो गया ऐसे 5 सेकेंड में हो गया, ये 5 सेकेंड है, ये टाइम है, ये एक्सीलरेशन है, 2 है, ये 8 है। नाउ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना, दैट इज इक्वल टू एरिया, ये एरिया मतलब ये एरिया कितना है, ट्रापेजियम का एरिया निकालना तो सबको आता है, हाफ 2 + 8 × ये डिस्टेंस 5, सो 25। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी दिया था 6 meter per second, सो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, 31 meter per second। क्या चीजें समझ में आया, चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्या ये सबको समझ में आया 31 meter per second कैसे हुआ। आज रश्मि पूरा चुप है, क्या बात है रश्मि, थोड़ा थोड़ा मिस हो जा रहा है तो। क्यों, तबीयत खराब है क्या? नहीं सर, वो थोड़ा बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था तो ये वाला थोड़ा सा मिस हो रहा है। तो जहाँ पर मिस हो रहा भाई वहीं पे हाथ उठाओ ना, मैं बताने वाला हूँ, मेरे को कोर्स थोड़ी खत्म करना है, मेरे को तुम लोगों को पढ़ाना है। बताने से समझ में आया था ना, हाँ, कहीं भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आता है तो पक्का बोलो, पक्का बोलो। तुम लोग अच्छे बच्चे हो तो तुम लोग को अपनी तरीके से पढ़ाऊंगा ना, मैं अगर वही फिर ए फॉर एप्पल करने लगूंगा देन व्हाट इज योर इम्पोर्टेंस देन, देयर ऑल गुड चिल्ड्रन। समीक्षा को सब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। आर यू कंफर्टेबल? यस सर। जिसको कहीं भी तकलीफ हो रहा है तो बोलोगे सर प्लीज रिपीट, कोई जरूरी नहीं है एक बार में समझ में आ जाएगा। यार मेरा टीचर जब मेरे को पढ़ाता था वो बात अलग था कि वो ढंग से नहीं पढ़ाते थे, मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आता था। आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ माई साइंस टीचर्स हु हैज टॉट मी, अरे यार कैमरा में बोल दिया, क्या मालूम किसी को जानते नहीं है, मेरे को देखेंगे नहीं, वो लोग चले गए होंगे अभी, नहीं कुछ भी नहीं समझ में आता था, जबरदस्ती खींच के बोलते थे होता है वो होता है, याद रखो विदाउट सेइंग रीजंस। अजीब और गरीब टाइप का एक्सप्लेनेशन देते थे, ज्यादा पूछो तो बोलते थे तुमको साइंटिस्ट होना है क्या, कितना फिजिक्स टीचर में बदल दिया। और फाइनली फिजिक्स टीचर बन गया, रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम ए लार्ज हाइट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी बिफोर रीचिंग ग्राउंड। कोई रेनड्रॉप बहुत ज्यादा हाइट से गिरेगा तो ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस धीरे 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 उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। नाउ हियर आर टू डायग्राम्स गिवन, आपको प्रॉपरली चूज करना है। यहाँ पर वाई वर्सेस टी डायग्राम दिया गया है, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन। यहाँ पर वाई वर्सेस टी डायग्राम दिया गया है, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए चेक करते हैं।
डिस्प्लेसमेंट क्या, ये अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, यू नो द स्लोप रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, यहाँ पर तो कुछ समय के बाद आप देख रहे हो कि ये जो वेलोसिटी जो है घट रहा है, शुरू शुरू में वेलोसिटी ज्यादा था, बाद में वेलोसिटी घटेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, कोई चीज गिर रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर तो वेलोसिटी पहले ज्यादा था और घटते घटते जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं था, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो सकता। वेलोसिटी टाइम डायग्राम, शुरू शुरू में स्लोप क्या था, स्टार्टेड फॉलिंग, एक्सीलरेशन वाज जी, और धीरे धीरे एक्सीलरेशन घटते 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 जब वो टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाएगा तब उसका एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में आएगा। यस, सही आंसर हुआ ये। समझ में आया क्या? उस पर एक्सेलरेशन तो हमेशा जी ही होगा, तो हमेशा जी का नहीं, नहीं, हमेशा जी कैसे होगा, हम बात कर रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। कोई पूछेगा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रेन ड्रॉप जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड, तो क्या आप जी कहोगे? नो, इट इज जीरो। कोई चीज जब काफी ज्यादा हाइट से गिरता है तो उसका वेट तो नीचे की तरफ आता है, बट देयर इज ए विस्कस फोर्स because of air which is 6 pi eta rv, the force is proportional to velocity, jaise jaise velocity badhne lagta hai force badhne lagta hai, ek samay aata hai jab ye force barabar ho jate, net force zero, uske baad wo constant velocity mein jata hai। kya baat samajh mein aaya? terminal velocity yes. naam nahi sune ho kya hai? naam to suna hoga, kya ye cheeze samajh mein aa raha hai? bolo bolo मुझे कंसेप्ट देना है एक्सीलरेशन का, और यहाँ पर मेंशन किया हुआ अटेंड से टर्मिनल वेलोसिटी बिफोर रीचिंग ग्राउंड, तो एग्जामिनर को मालूम है कि आपको मालूम है सब चीजें, क्या ये टर्मिनल वेलोसिटी वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. तो आंसर हुआ ये। दूसरे केस में, दूसरे केस में देखो तो ये जो वाई है क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? हाँ, शुरू में डिस्प्लेसमेंट जीरो था, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, और फाइनली देखो ये ग्राफ इज लुकिंग लाइक ए स्ट्रेट लाइन, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट है, तो यही तो है वो केस ऑफ वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, पहले वेलोसिटी बढ़ा, पहले वेलोसिटी बढ़ा और फिर कांस्टेंट हो गया। क्या बात समझ में आया? मैं अगर वही बीच को यू प्लस एटी करूंगा तो तुम लोग पढ़ने आओगे क्या? इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम, पता चला दो घंटा पढ़ाया, आपकी जरूरत की चीज उसमें 20 मिनट का था। मैं तो ये पढ़ा रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनको मेरे क्लासेस में समझ में नहीं आ रहे, मतलब दे आर नॉट हैविंग बेसिक, ये पूरे बेसिक स्टूडेंट के लिए नहीं है, ड्रॉपर बेस के लिए कह रहे, मतलब जो पढ़ चुके हैं सारा चीज, वो सारा चीज याद है, उसके बाद कितना मेहनत करना पड़ेगा वो जानते हैं, फिर भी डॉक्टर बनने का शौक रखते हैं तो फिर तो उनके लिए नहीं, शौक तो रखते हैं डॉक्टर बनने का लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते हैं, तो फिर उनके लिए क्लास में कोई मतलब ही नहीं है। कंसिडर द वेलोसिटी टाइम डायग्राम, चूज करेक्ट पॉसिबल एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम। कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है, उसका एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम कैसा दिखेगा? ऐसा ऐसा ऐसा। और मैं अल्फाबेटिकली पूछता हूं तो ए सबसे पहले आता है, बी, अच्छा ए सी सी, तेरा सॉरी बोलने का आदत गया नहीं। बोलो और कोई बोलो, मैं इन दोनों का नाम, हाँ कौन सा होगा आंसर? सी सी। देखो यहाँ पर पहले क्या था कि लड़कियां कुछ बोलते क्यों नहीं, गिव द माइक्रोफोन टू द बॉयज एंड दे विल यूज इट, समझ क्या? यस सर, यू आर वेटिंग फॉर मी टू आंसर, तुम लोगों को बोलना चाहिए। देखो तो यहाँ पे ये एंगल ज्यादा था, वो टूट गया, ये एंगल ज्यादा था तो एक्सीलरेशन वाज मोर, यहाँ पर आते आते एंगल कम हो गया है, एक्सीलरेशन कम हो गया है,
लेकिन ये स्ट्रेट लाइन था मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था, ये भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था, ये रिटार्डेशन था, मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन नेगेटिव था। तो देखो इसमें पहले एक्सीलरेशन ये हुआ फिर एक्सीलरेशन बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर तो एक्सीलरेशन घटा है, तो सही आंसर हुआ सी, पहले कुछ एक्सीलरेशन था फिर एक्सीलरेशन घट गया फिर एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया। समझ में आया? आगे The acceleration versus time diagram of a particle is shown. Particle starts from rest. Draw labeled velocity time diagram. ये particle का जो rest start किया उसका acceleration time diagram दिया गया है, पूछा है बताओ velocity time diagram क्या होगा। ठीक है, क्या कहते हैं, दे दीजिए रिसेप्टर, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स ऑफ द मसल जो सिग्नल्स को रिसीव करते। मैं अभी थोड़ा चीज़ों के ऊपर पढ़ रहा हूँ इधर उधर, क्योंकि मेरे को थोड़ा किसी में डिजीज हुआ है, मैस्थेनिक ग्रेविस जिसको कहते हैं, तो उसमें वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स कितना देर तक रिसीव कर पाते हैं, वो थोड़ी देर तक रिसीव करेंगे उसके बाद थक जाएंगे। तो मेहनत करोगे प्रैक्टिस करोगे वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रहेंगे, तो जितना ज़्यादा पढ़ाने से सारे एब्सॉर्ब कर पाओगे, नहीं तो पहला आधा घंटा पूरा समझ में आएगा, उसके बाद तो सब कैसे दिखेगा ब्लैक एंड व्हाइट। बिना प्रैक्टिस किए लंबा बहुत सारी इंपोर्टेंट चीजों को सुनना समझना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब सब मेरे साथ बोलेंगे, सब बोलेंगे, खुल के बोलेंगे। आई विल नॉट आस्क एनीवन, एवरीवन विल टेल एंड सी दैट एवरीवन इज टॉकिंग। हियर इट्स ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब वेलोसिटी जीरो था शुरू में, वेलोसिटी जीरो था। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम यहां से स्टार्ट होगा। जो डायग्राम होगा ये स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन था तो स्ट्रेट लाइन होगा, है कि नहीं? डायग्राम विल बी स्ट्रेट लाइन, लेट मी ड्रॉ इट अदरवाइज। हाँ, तो डायग्राम जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि एरिया पॉजिटिव है। कितना बढ़ेगा? 6 × 4। इंक्रीज इन वेलोसिटी 24। स्टार्ट किया कहां से? जीरो से, मतलब अब उसका वेलोसिटी क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा 24, बढ़ गया, यूनिफॉर्मली बढ़ गया, क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन था। उसके बाद ड्यूरिंग 4 to 5 सेकेंड का इंटरवल व्हाट हैपेंस? द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज़ देयर वाज नो एक्सीलरेशन इन पीरियड, एक्सीलरेशन नहीं था तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद उसके बाद ये रिटार्डेशन था, मतलब वेलोसिटी घटेगा। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था कि नॉन यूनिफॉर्म था? हाँ, ये तो यूनिफॉर्म था, हर जगह बराबर रिटार्डेशन था। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था, कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो वेलोसिटी घटेगा, कैसे घटेगा? द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन और एक कर्व, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो कुछ कुछ ऐसे हो जाएगा। कैसे? ऐसे। कितना घटेगा? कितना घटेगा? जो ये एरिया है, दिस एरिया इज अ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, कितना घटेगा? ये है 2, ये है 2, 4, 4 मीटर पर सेकंड घट जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड घट जाएगा। अच्छा, पहले क्या था? 24, घट गया 4, अब बनेगा कितना? अब बनेगा 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या था? उसके बाद तो कोई एक्सीलरेशन था ही नहीं, मतलब वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। क्या बात, समझ में आया? दिस इज द वेलोसिटी टाइम डायग्राम। नेक्स्ट, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड फॉलोज एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम एज शोन। पार्टिकल का एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम कुछ ऐसा दिखाया गया है। The acceleration time diagram is shown something like this. ठीक है, पूछा है कि बताओ the velocity time diagram कैसे होगा। चलिए मैं थोड़ा draw करने की कोशिश करता हूँ velocity time diagram, आप लोग देख लेना। आप पहले खुद का draw कर लो, फिर मेरे साथ match करके बताना कितने लोगों का सही हुआ। मैं दे रहा हूँ वही सब times, 4 seconds, 6 seconds, 8 seconds,
मुझे वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करना है, 4, 6, 8 ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, और मुझे ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम डायग्राम। क्या आप लोग ड्रॉ कर चुके हैं? हैव यू कंप्लीटेड? मेहनत करना पड़ेगा भाई, और वो मेहनत मेहनत नहीं लगेगा जब उसमें से आपको मजा आने लगेगा। रिमेम्बर, बहुत मेहनत कर रहा है, कोई दूसरा बोला आजकल क्या पढ़ रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो, आप तो पूरा घुसे हुए उसके अंदर। क्या 3 घंटा किसी कुर्सी में बैठे रहना, चेयर पे बैठे रहना मुश्किल चीज है? नहीं, पढ़ने के लिए बैठना बड़ा मुश्किल है, मतलब फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। क्या 3 घंटा किसी एक चीज को देखते रहना मुश्किल है? नहीं, मूवी देख सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए बैठना मुश्किल है। क्या 3 घंटा कोई चीज को ध्यान से देखना और सारा चीज को समझ लेना मुश्किल है? नहीं, मूवी में कोई भी मूवी के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछा बता दोगे, वो इसको क्यों मार रहा था, वो हीरोइन इसके पीछे पीछे क्यों भाग रहा था, हाँ सब समझ में आ जाता है, लेकिन पढ़ने के लिए बैठना मुश्किल है। मतलब मुश्किल ना बैठने में है, ना देखने में है, ना ध्यान लगाने में, मुश्किल है पढ़ने में। मतलब नेचुरल बेंट ऑफ इंक्लिनेशन इज नॉट टुवर्ड्स स्टडी, समझ में आ रहा, टायर्ड हो जाते हैं क्योंकि मजा नहीं आता। बस जिसको मजा आने लग गया उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है। चलिए शुरू करते हैं, और आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। ये एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ठीक है समझ में आ गया। थोड़ा मोटे अक्षर में इसको करते हैं, यस। नाउ 0 to 4 सेकेंड में एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था? एक्सीलरेशन था, वेलोसिटी तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वेलोसिटी? हाफ एरिया ऑफ द डायग्राम, हाफ 4 × 10, हाफ 4 × 10 इज 20, वेलोसिटी बढ़ेगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो वीटी डायग्राम होगा, ये अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता तो स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं है तो कर्व होगा। तो कैसा कर्व होगा? ये इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है कि डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है? इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का कर्व, देखो एक्सीलरेशन बढ़े जा रहा है तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का कर्व कुछ ऐसा होता है। बढ़ के कितना हो जाएगा इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा वैल्यू? वैल्यू हो जाएगा कितना? ये हाफ 10 × 4 इज 20। उसके बाद 4 to 6 सेकेंड में, रश्मि बताओ 4 to 6 सेकेंड में ये एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था? रिटार्डेशन था। नो, इट वाज एक्सीलरेशन। अरे वो पूरा नहीं था, वेलोसिटी टाइम डायग्राम में ही रिटार्डेशन होता है, ये एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम है। एक्सीलरेशन कब कहते हैं? जब ये पॉजिटिव है, रिटार्डेशन जब वो नेगेटिव है। क्या ये पीरियड में एक्सीलरेशन पॉजिटिव नहीं था? इट वाज एक्सीलरेशन बट नॉट कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन था, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड घट रहा था। तो वेलोसिटी तो बदलेगा, कितना बदलेगा? जितना ये एरिया बदलेगा, मतलब पॉजिटिव एरिया है तो वेलोसिटी बढ़ेगा। ये एरिया कितना है? हाफ, ये हो गया 2 × 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। हाफ 2 × 10 इज 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। कैसे? विथ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, द डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का डायग्राम। वेलोसिटी फिर से बढ़ गया, कितना? 10, था कितना? 20, क्या बन गया? 30। क्या बात समझ में आया? उसके बाद ये एक्सीलरेशन नेगेटिव था, सो ये रिटार्डेशन था। ये जो रिटार्डेशन था, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था कि नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था? यूनिफॉर्म, सी इट वाज कांस्टेंट एवरीवेयर, इट इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था। मतलब वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा? अरे यूनिफॉर्म था तो स्ट्रेट लाइन होगा। वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा? रिटार्डेशन था भाई, वेलोसिटी घटेगा। कितना घटेगा? एरिया, एरिया अंडर द डायग्राम 2 × 5 10 घटेगा।
था कितना 30, घटेगा कितना 10, ग्राफ कैसे होगा स्ट्रेट लाइन, घटाओ उसको 10, फिर से बन गया 20। सो यू से द डायग्राम इज अगेन बिकमिंग 20। उसके बाद तो कोई एक्सीलरेशन नहीं था, सो वेलोसिटी विल कंटिन्यू। क्या बात समझ में आया? हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये सब चीजें निकालने के लिए नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा एक डायग्राम दिया रहेगा, इसके नीचे दो तीन तो फिगर दिए रहेंगे, कौन सा फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम डायग्राम, तो आपको फिगर देख के पहचान लेना चाहिए। क्या बातें समझ में आ रहा है? क्या इसके साथ साथ ये भी समझ में आने लगा है कि जो टेस्ट में करने वाला हूं कितना खूंखार होने वाला है? हाँ, इतना ध्यान से देखो। नेक्स्ट, दिस इज वेरी टिपिकल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू पार्टिकल्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट एंड मूव इन सेम डिरेक्शन। ए एंड बी दो पार्टिकल है, एक जगह से शुरू किए, सेम डिरेक्शन में गए। देयर वेलोसिटी टाइम डायग्राम इज शोन। देखो, फाइंड आउट आफ्टर व्हाट टाइम दे विल अगेन बी क्लोज टू ईच अदर। इसके ऊपर काफी छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, किसका इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, लेकिन मैं वो सब चीज नहीं दिया हूं। कंसीडरिंग यू ऑल एज गुड चिल्ड्रन, मैं सीधे स्ट्रेट पर्टिनेंट क्वेश्चन दिया हूं कि बताओ अगर ये दो पार्टिकल ए एंड बी एक जगह से शुरू किए, सेम डिरेक्शन में गए, दोनों का वेलोसिटी टाइम डायग्राम अलग अलग है, आपको मालूम है किसका इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, ए का कि बी का? बी का। समी क्या? हाँ, तुम्हारा माइक्रोफोन को पकड़ लो, नहीं तो हाथ में तुम लोगों का आवाज नहीं आ रहा। इनफैक्ट यू आर टेलिंग, पकड़ लो उसको हाथ में, होल्ड योर माइक्रोफोन। यस, किसका इनिशियल एक्सीलरेशन ज्यादा है, ए का कि बी का? ए का एक्सीलरेशन ज्यादा है। ठीक, शुरू में कौन आगे आगे भागेगा, ए और बी? जिसका वेलोसिटी ज्यादा है वो जोर से भागेगा आगे आगे, कि जिसका वेलोसिटी कम है वो आगे आगे भागेगा? बी। बी का वेलोसिटी ज्यादा है, मान लो बी स्टार्ट किया 10 मीटर पर सेकंड में, ए स्टार्ट किया 1 मीटर पर सेकंड, दोनों का एक का एक्सीलरेशन, ए का एक्सीलरेशन ज्यादा है, लेकिन 1 मीटर पर सेकंड तो है, एक दो सेकंड में ये 1 मीटर सेकंड से बढ़के बढ़के 2-3 सेकंड हुआ होगा, लेकिन 2-3 मीटर पर सेकंड हुआ होगा, लेकिन ये तो स्टार्ट ही किया है 10 से, तो कौन आगे भागेगा? जिसका स्पीड ज्यादा है वो आगे भागेगा। सो आगे आगे भागेगा कौन? बी। शुरू शुरू में, काफी समय के बाद कौन आगे भागेगा? ए, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा हो गया। अब हुआ यूं कि ए और बी दोनों एक जगह से शुरू किए। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं, जो जो फैक्ट समझ में आया, लेट्स राइट द फैक्ट्स, फिर हम लोग देखेंगे। हेलो, मुझे कौन कह रहे हैं? तीन डाले जो है, हाँ तीन में पांच अच्छी तो पचास देता हूँ। ठीक है सर, जो मरा ठीक है, क्लास अच्छी है दिन। यहां पे जो जो चीजें सामने आ रहा है, फैक्ट्स को लिख रहा हूं मैं, फिगर को देखो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B is more than initial velocity of A. UB is more than UA, but AA is more than AB. जिसका स्पीड ज्यादा है इनिशियली, B leads. Finally, B lags or A leads. जो चीजें समझ में आ रहा है उसको थोड़ा देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनिशियली बी का स्पीड ज्यादा था, बी आगे आगे भागेगा, कुछ समय के बाद ए जोर से एक्सीलरेटर दबा के रखा है, ए का स्पीड बढ़ रहा है, फिर ए आगे निकल जाएगा।
किसी एक समय में दोनों का वेलोसिटी बराबर हो गया है 4 मीटर 4 सेकंड। तो हो ये रहा है कि ए यहां पे था, बी यहां पे था, शुरू शुरू में बी आगे चलने लगा तो बी कुछ यहां पे आ गया, कॉल इट बी वन, तब ए पीछे था। काफी समय के बाद ए आगे हो गया है और बी पीछे हो गया है, लेकिन समय एक ठुपक्का आया होगा जब ए बी को क्रॉस करते हुए आगे निकल गया होगा। दे आर रिलेटिव पोजिशंस। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस। तो ये समय पे दोनों एक जगह थे, ये समय पे बी आगे ए पीछे, ये समय पे दोनों एक जगह है ना, और ये समय पे ए आगे है। अब ये पीरियड में देखो, थोड़ा सा ये पीरियड में ए और बी के बीच में कुछ डिस्टेंस था, शुरू में जीरो, यहां पे जीरो, बीच में जीरो नहीं था, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा फिर से घटा। दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम कब था? कब दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम था? थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये है ए, वो यहां है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये। अब यहां पे होते हुए ए का कुछ वेलोसिटी है भी ए, और बी का वेलोसिटी है भी, भी ए भी बी दोनों बदल रहे हैं क्योंकि बोथ ऑफ देम आर एक्सीलरेटिंग, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एस है। ठीक है, समझे? तो हम कहेंगे कि जब तक VA VB से कम था, VA was less than VB, VB आगे है, स्पीड भी ज्यादा है, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में डिस्टेंस तो बढ़ेगा, लेकिन A का एक्सीलरेशन ज्यादा है। एक समय आएगा जब A का एक्सीलरेशन, A का वेलोसिटी B का वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो दोनों का वेलोसिटी बराबर हो गया है, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद ए ज्यादा एक्सीलरेशन में है तो ए का वेलोसिटी बी से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस घटने लगेगा। तो शुरू में दोनों एक साथ थे, बी आगे चला ए पीछे, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगा। कब तक? जब तक ए का स्पीड बी का स्पीड से कम था। उसके बाद ए एक्सीलेटर दबा के रखा है और स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। फिर उसके बाद दोनों के बीच में स्पीड, दोनों का स्पीड बराबर हो गया तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया मोमेंटली। उसके बाद ए का स्पीड और ज्यादा हो गया, फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस घटने लगा क्योंकि ए पीछे था। तो हम नोटिस कर रहे हैं यहां पे कि ये जो चीजें हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि ए का और बी के बीच में जो डिस्टेंस था पहले बढ़ा, कांस्टेंट हुआ, फिर घटा, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम कब था? When the distance was maximum between them, क्या बता सकते हो कब दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम था? जब दोनों का वेलोसिटी बराबर था, है कि नहीं? डिस्टेंस दोनों के बीच में बढ़ा। ये डायग्राम थोड़ा हट गया, थोड़ा मैं साइड कर देता हूँ, एक मिनट। थोड़ा सा डायग्राम, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कब मैक्सिमम था? जब दोनों का वेलोसिटी बराबर था। हाँ बेटा, एक चीज, सॉरी सर बीच में इंटरप्ट करने के लिए। हाँ श्योर श्योर, समझ। हाँ, जब वी ए से ज्यादा था, हाँ, तो जो डिस्टेंस उनके बीच बढ़ रहा था, बढ़ रहा, और जब बी से ज्यादा था तब भी तो डिस्टेंस बढ़ना चाहिए क्योंकि एक को लगेगा कि वो उससे थोड़ा ज्यादा दूर जा रहा है। हाँ, तो उसमें देखो देखो, तुम तो वही चीज पे नहीं पकड़े। ये देखो, शुरू शुरू की बात कर रहे हैं, मैं यहां से यहां तक का बात किया, पोजीशन वन से ए ए जीरो बी जीरो ए वन बी वन ए टू बी टू का बात कर रहा हूं। उसके बाद की नहीं, उसके बाद तो फिर से डिस्टेंस बढ़ेगा, ए का स्पीड ज्यादा है, दूर जा रहा है, ये बी पीछे है, लेकिन ए पीछे था, बी को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? ए और बी चलने लगे, है ना, ए और बी चलने लगे, शुरू शुरू में बी आगे ए पीछे, धीरे धीरे ए का स्पीड बढ़ रहा है, एक समय आएगा बी ए जो है बी को क्रॉस करेगा फिर आगे जाएगा। जब तक क्रॉस नहीं किया, दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट था क्या?
नहीं था, शुरू में डिस्टेंस क्या था, दोनों तो पास पास थे, जीरो। जब क्रॉस कर रहा था तब भी जीरो, बीच में कॉन्स्टेंट नहीं था, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा था फिर घट रहा था। ठीक है, ये तरीके से अगर बढ़िया से मजा नहीं आ रहा है दूसरे तरीके में बता दूंगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लगेगा, योर आइडिया विल बी क्लियर। तो क्या देखिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस जब मैक्सिमम था, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा, कॉन्स्टेंट हुआ फिर घटा, उसके बाद फिर से दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, उसके बाद ये समय के बाद A2 B2 के समय के बाद डिस्टेंस फिर से बढ़ेगा। तो व्हाट वी नोटिस कि दोनों बीच में डिस्टेंस बढ़ा, कॉन्स्टेंट हुआ, घटा, तो मैक्सिमम कब था, बिफोर दे क्रॉस ईच अदर द डिस्टेंस वाज मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी वाज सेम। बहुत मजा नहीं आया सर, बड़ा कंफ्यूजिंग लगा इतना सारा चीज। चलो मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। अब आपको पता चल गया है कि ए पीछे है, बी आगे है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यू कॉल इट एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, व्हिच इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। व्हेन एस बी ए इज मैक्सिमम, आप जानते हो कि इसका रेट ऑफ चेंज मस्ट बी इक्वल टू जीरो। समझ में आ क्या? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज जीरो, मतलब रेट ऑफ दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज जीरो। इसका मतलब वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब वी बी इज इक्वल टू वी ए। क्या ये समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। चलो तो क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन मिला एट, कहां पर वेलोसिटी दोनों का बराबर था, 4 सेकेंड में, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज मैक्सिमम कब, बिफोर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने से पहले डिस्टेंस दोनों बीच में मैक्सिमम था कब, टी इक्वल टू 4 सेकेंड। कोई पूछेगा बताओ ये डायग्राम में देखो बताओ व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, आपको हो गए 4 सेकेंड में। ए जो है यहां से उसका वीटी डायग्राम ऐसे गया था, दिस वाज द एरिया मूव्ड बाय ए, द एंटायर थिंग वाज द एरिया मूव्ड बाय बी, तो कौन ज्यादा गया था, बी कितना ज्यादा गया था, आपको हो गए बी कितना ज्यादा गया था, तो सिंपल सा चीज है, बी कितना ज्यादा गया था जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये एरिया कितना, कौन सा एरिया, तो डिस्टेंस एक्स्ट्रा डिस्टेंस मूव्ड बाय बी ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज दिस डिस्टेंस है कि यही है वो डिस्टेंस जो बी एक्स्ट्रा गया है। और अगर ये वैल्यूज वगैरह दिया होता और मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी दिया होता, ये दिया होता कुछ समथिंग लाइक v1 ये v2 और ये टाइम तो दिया है ऑलरेडी, तो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस वो भी हम पता कर सकते थे, कैसे, ये एरिया ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इनटू दिस हाइट, हाइट इज 4 और ये v2 माइनस v1, हाफ v2 माइनस v1 इनटू 4 विल बी द एक्स्ट्रा डिस्टेंस मूव्ड। कोई नहीं पूछा, पूछा है कि बताओ कि फिर से दोनों कब एक दूसरे के नजदीक होंगे, जब एक दूसरे के नजदीक होंगे दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा क्योंकि एक ही जगह से शुरू किए थे, मतलब ये पीरियड में बी ए से ज्यादा गया है, ये पीरियड में ए बी से ज्यादा गया है, तो कहां पे वो हाल होगा, जब वो आके कुछ यहां पे पहुंचेंगे, कुछ यहां पे पहुंचेंगे तो आप देखोगे ये पीरियड में क्या हुआ है कि उसका जो ए है वो बी से ज्यादा डिस्टेंस गया है, कितना ज्यादा डिस्टेंस क्या है, आपको ये ज्यादा डिस्टेंस क्या है, ये तो ये पीरियड में बी जितना ज्यादा गया था ये पीरियड में ए उतना ज्यादा गया है, तो फिर से दोनों बराबर हो जाए। और पता चल रहा है कि फिगर से कि आपका जो ये डायग्राम है ये दोनों ट्रायंगल जो है दे आर कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं, क्योंकि ये एरिया एरिया बराबर है, ये एंगल एंगल बराबर है, ये 90 सब कुछ बराबर, तो आप कहोगे ये 4 सेकंड हुआ तो ये भी 4 सेकंड होगा, मतलब ये क्या हुआ 8 सेकंड, मतलब दोनों फिर से एक दूसरे के नजदीक कब होंगे, t = 8 सेकंड।
t is equal to 8 seconds, again they will be close to each other. At t is equal to 8 seconds, again they will be close to each other. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 8 t equal to 8 seconds, at t equal to 8 seconds, again they will be close to each other. क्या बात समझ में आया? Yes sir. Yes. Uniform acceleration motion in four dimension. इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं. मेरे हिसाब से आज आप लोग बढ़िया से तैयारी करके नहीं आए थे, इसलिए थोड़ा स्लो गया क्लास. फिर भी काफी कुछ कंसेप्चुअल चीजें मिला. Now time is passing. I have to go for other appointments. फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास. तब तक के लिए जय हिंद. Yeah, exactly.